सी फंक्शंस, मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, स्कोप रूल्स एंड रिकर्जन। हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। एग्जांपल लेते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो फैक्टर होता है एनसीआर, जिसमें सुपरस्क्रिप्ट में एन लिखा जाता है, बाद में सी और सबस्क्रिप्ट में आर, ये अपना लिखने का पैटर्न होता है। या पैरेंथेसिस के अंदर ऊपर आर और नीचे ऊपर एन और नीचे आर, इस तरह से भी लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है एन एन माइनस वन टाइम्स एन माइनस टू टाइम्स एन माइनस थ्री एंड सो ऑन एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर आर माइनस वन आर माइनस टू एंड सो ऑन अप टू वन। या कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर टाइम्स फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पहले फैक्टोरियल आर कैलकुलेट करते हैं, फिर फैक्टोरियल एन माइनस आर कैलकुलेट करते हैं, एंड देन फैक्टोरियल एन कैलकुलेट करते हैं। इनको अलग अलग कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद में हम पूरी टर्म को यू कैलकुलेट करते हैं। हम इसको पार्ट्स में कैलकुलेट करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। हम कुछ यदि स्मार्ट वे में करें तो ये कंप्यूटर में कम टाइम में काम हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि हम प्रोग्राम को कुछ पार्ट्स में तोड़ लें, कुछ भागों में तोड़ लें और इस तरह से ओरिजिनल प्रोग्राम को मैनेज कर लें, इस तरह से लिख लें कि वो रीडेबल भी ज़्यादा हो और कैलकुलेशन सही हो। इसके लिए सी प्रोग्रामिंग में हम जो मॉड्यूल काम में लेते हैं उसको हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन क्या होता है? तो नॉर्मल मैथमेटिक्स या फिजिक्स में हम देखें तो हम एक लिखते हैं एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स कोमा वाई। यहाँ एक्स कोमा वाई को हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर x और y दो इनपुट हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और उनसे हम एक स्पेसिफिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो f ऑफ x y की वैल्यू होगी। इसी तरह से हम यदि g इक्वल टू जी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखें, इसका मतलब है कि हम g और पैरेंथेसिस में वन 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 कोमा वन कोमा टू लिख देते हैं, तो इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि फर्स्ट और सेकंड इनपुट वैल्यू जो हैं उनका स्क्वायर करें जो कि वन है और थर्ड वैल्यू का स्क्वायर करें जो कि टू है, तो और फिर उन स्क्वायर्स को ऐड कर दें तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर ये सिक्स आ जाता है। इसका मतलब जी वन वन टू यदि कहीं लिखा है जहाँ जी एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है तो जी वन वन टू का मतलब सिक्स होगा। कहीं भी हम फंक्शन लिखें तो एक फंक्शन का नाम होता है, उसके बाद में हम पैरेंथेसिस में वो इनपुट आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं जो फंक्शन के लिए इनपुट हैं और उन आर्ग्यूमेंट्स को कोमा से सेपरेट कर देते हैं। ये अपना लिखने का जो पैटर्न है उसको हम कहते हैं फंक्शन। मतलब हम एक फंक्शन जिसको फंक्शन कह रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, आगे छोटे कोष्ठक में जो भी इनपुट हैं उन वेरिएबल्स के नाम सेमा से कोमा से अलग कर करके लिख देंगे। मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस की बात करते हैं तो मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस में इनको यूज करने के लिए हमें एक तो मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होगी जो प्रोग्राम के शुरुआत में जैसे हम हैश इंक्लूड एस टी डी आई और डॉट एस लिखते हैं उसी तरह से हैश इंक्लूड और ब्रेसेस एंगल ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे मैथ डॉट एच और फिर सी प्रोग्रामिंग में हमें जो सेंटेंस लिखने हैं उनको कुछ इस तरह से लिखेंगे
जैसे हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ, बाद में परसेंटेज एफ, जो कन्वर्जन स्पेसिफायर है उसके लिए इनपुट आर्गुमेंट के रूप में जैसे हम लिख दें एस क्यू आर टी आगे पैरेंथेसिस में 100। अब तक हम यहाँ कोई सिंपल आर्गुमेंट, सिंपल नंबर या सिंपल वेरिएबल नेम या कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं। यदि हम स्क्वायर रूट का फंक्शन लिखना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे एस क्यू आर टी और पैरेंथेसिस में बाद में छोटे कोष्ठक में वो नंबर जिसका हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। ऐसा लिखने पर हमें आउटपुट में 10.000000 मिलेगा, जो 100 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। यहाँ दशमलव के बाद में 6 शून्य इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि नॉर्मल सी प्रोग्राम में नॉर्मल फ्लोटिंग पॉइंट जो आउटपुट होता है उसमें दशमलव के बाद में 6 डिजिट दिखाई जाती हैं, पॉइंट के बाद में 6 डिजिट शो की जाती हैं। यहाँ सारी डिजिट्स ज़ीरो हैं तो 0 शो हो रहा है। यहाँ एस क्यू आर टी एक लाइब्रेरी फंक्शन है, मैथ लाइब्रेरी फंक्शन है, और जब भी मैं किसी प्रोग्राम में हम इस तरह से फंक्शन को लिखेंगे तो उसको हम कहते हैं कॉलिंग ए फंक्शन, मतलब हम यहाँ एस क्यू आर टी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और उसके बाद में जो पैरेंथेसिस में नंबर लिखा है 100, उसको हम कहेंगे एस क्यू आर टी फंक्शन का ये आर्ग्यूमेंट है। किसी फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, 0 आर्ग्यूमेंट हो सकता है और मैनी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है फंक्शन पे। एस क्यू आर टी फंक्शन है उसमें एक ही आर्ग्यूमेंट होगा और वो आर्ग्यूमेंट फ्लोट या डबल टाइप का होगा। इसको हम एस क्यू आर टी फंक्शन का इनपुट कहते हैं या इनपुट आर्ग्यूमेंट भी कह देते हैं। इसी तरह से कोई भी फंक्शन है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ एस क्यू आर टी जो लिखा है इसकी जगह जो वैल्यू प्रिंट हो रही है 10, तो वो इसका रिटर्न है इस फंक्शन का जो यहाँ प्रिंट हो रहा है। तो ये एस क्यू आर टी फंक्शन है, इसका रिटर्न भी डबल होता है, रिटर्न डबल होता है, डबल रियल नंबर का डबल प्रिसीजन है, और वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। पूरा प्रोग्राम देखें तो वो इस तरह से लिखेंगे जैसे हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, बाद में हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, ये लाइब्रेरीज इंक्लूड कर दी। मैन फंक्शन स्टार्ट होता है इंट मैन फ्लोट एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई को फ्लोट के रूप में डिक्लेयर कर दिया। फिर प्रॉम्प्ट है गिव ए पॉजिटिव नंबर, बाद में स्कैन एक्स की वैल्यू स्कैन कर ली, रीड कर ली। उसके बाद में हम प्रिंट कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ एक कन्वर्जन स्पेसिफायर है रियल नंबर का जहाँ एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, इज फिर एक कन्वर्जन स्पेसिफायर है रियल नंबर का जहाँ पर एस क्यू आर टी ऑफ एक्स प्रिंट होगा। एक्स की जो वैल्यू है वो स्क्वायर एस क्यू आर टी फंक्शन के पास जाएगी, वो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। बाद में हमने किया वाई इज इक्वल्स टू एस क्यू आर टी एक्स प्लस 10। यहाँ आर्ग्यूमेंट जो लिया है एस क्यू आर टी में वो एक्स वेरिएबल में 10 ऐड करके लिया है, तो ये एक्स में 10 ऐड करेगा और देन उस आर्ग्यूमेंट को जो एक्सप्रेशन बन गई है एक्स प्लस 10 उसको पहले कैलकुलेट करेगा। एक्स की जो वैल्यू उसमें 10 ऐड होगा देन उस वो एस क्यू आर टी फंक्शन के लिए सिंगल आर्ग्यूमेंट के रूप में वो वैल्यू जाएगी। एस क्यू आर टी फंक्शन उसका स्क्वायर रूट निकाल के वाई को असाइन कर देगा। उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं कि एक्स प्लस 10 का स्क्वायर रूट वाई है और वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ कन्वर्जन स्पेसिफायर में 0.2 एफ का मतलब है यहाँ पॉइंट के दशमलव के बाद में 2 ही डिजिट प्रिंट होंगी। इस तरह से कोई भी जो आर्ग्यूमेंट है फंक्शन के अंदर वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू हो सकती है, वो वेरिएबल हो सकता है या वो एक्सप्रेशन हो सकता है। जैसे हमने यहाँ एक्स प्लस 10 दिया, ये एक्सप्रेशन है। यहाँ हम सिंपल वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते थे, यहाँ हम सिंगल वेरिएबल भी दे सकते थे। हम कोई भी फंक्शन है उसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। हम किसी फंक्शन को कॉल बिना प्रिंट स्टेटमेंट के भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ये एग्जांपल
तो ये एग्जाम्पल है, ये वही एग्जाम्पल है जो अब हम इतना भी हम देख रहे थे। ये कुछ कमेंट्स हैं, stdio.h नाम की लाइब्रेरी को इंक्लूड कर दिया है, math.h फंक्शन को इंक्लूड कर दिया है, मेन फंक्शन है जिसमें एक्स वाई को डिक्लेयर किया है, प्रॉम्प्ट प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, एक्स को रीड करने के लिए स्टेटमेंट लिखा है, एक्स का स्क्वायर रूट प्रिंट कर रहे हैं, एक्स प्लस 10 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं। ये फंक्शन कंपाइल करने पर कंपाइल नहीं हो रहा है। यहाँ कंपाइलेशन के समय हमें ध्यान रखना होगा, जब भी हम मैथ डॉट एच को इंक्लूड करते हैं तो और उसके किसी फंक्शन को काम में लेते हैं, जैसे हम यहाँ स्क्वायर रूट को काम में ले रहे हैं, तो यहाँ कंपाइल करते समय हमें gcc स्पेस माइनस ओ स्पेस एग्जाम्पल डॉट सी की बजाय यहाँ इस स्टेटमेंट में माइनस lm भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम माइनस lm लगा देते हैं, फिर इसको कंपाइल कर दिया, रन, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, रन करते हैं। ये को पॉजिटिव रियल नंबर देने को कह रहा है, हम 1000 दे देते हैं, 100 का स्क्वायर रूट 10 प्रिंट कर दिया और बाद में एक्स प्लस 10 मतलब 110 का स्क्वायर रूट 10.48809 है। एक बार फिर से रन करते हैं, इस बार 90 देते हैं इनपुट में, तो 90 का स्क्वायर रूट प्रिंट कर दिया, देन 90 प्लस 10 100 है उसका स्क्वायर रूट प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से ये वर्गमूल प्रिंट कर रहा है। नेक्स्ट है, अब मैथ लाइब्रेरी के ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हम काम में ले सकते हैं, या कौन कौन से फंक्शंस मैथ लाइब्रेरी में हैं जो अपने लिए ज़्यादा काम के हैं, उनको देख लेते हैं। तो एक फंक्शन है स्क्वायर रूट के लिए sqrt, sqrt फंक्शन है, उसमें इनपुट एक रियल नंबर होगा, अक्स है जो आर्गुमेंट है इनपुट आर्गुमेंट वो एक रियल नंबर होगा और इसका रिटर्न भी रियल नंबर होगा। sqrt में जो इनपुट है वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर होगा, एक्स की वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ा होना आवश्यक है। नेक्स्ट है cbrt, cbrt क्यूब रूट के लिए है, मतलब पावर 1/3 a 1/3, और क्यूब रूट है उसमें एक्स जो इनपुट है वो एक रियल नंबर होना चाहिए, इसका आउटपुट भी एक रियल नंबर होगा। exp और एक्स e की घात एक्स e टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स के लिए है exp एक्स, यहाँ एक्स का रियल होना जरूरी है और इसका रिटर्न टाइप होगा, आउटपुट होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। लॉग ऑफ एक्स, ये नेचुरल लॉग जो होता है या लॉग ऑन बेस ई होता है जिसको हम ln से लिखते हैं, उसके लिए सी प्रोग्रामिंग का फंक्शन है, इसमें इनपुट एक्स है वो एक रियल नंबर होगा और इसका आउटपुट भी एक रियल नंबर होगा। इसका इनपुट एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा और आउटपुट एक रियल नंबर होगा, मतलब हमें इनपुट है वो पॉजिटिव रियल नंबर के रूप में देना होगा। लॉग 10x, ये भी लॉग है जिसमें बेस 10 हो वो लॉग है, और यहाँ इनपुट नेचुरल लॉग की तरह ही इनपुट एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा और आउटपुट इसका एक रियल नंबर होगा। fabs x, यहाँ f फ्लोटिंग नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए, abs एब्सोल्यूट नंबर उसके एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर x है कोई भी रियल नंबर होगा इनपुट और आउटपुट इसका पॉजिटिव रियल नंबर होगा, जो एक तरह से नेगेटिव नंबर का साइन चेंज कर देगा, पॉजिटिव नंबर में कोई चेंज नहीं करेगा। सेल cel, सेल जो फंक्शन है वो है स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन एक्स,
एक ऐसा नंबर जो इसका इनपुट इनपुट एक रियल नंबर है उससे छोटा नहीं है, ऐसा सबसे छोटा इंटीजर नंबर। जैसे इनपुट में हमने 4.5 दिया तो 5 ऐसा इंटीजर है जो 4.5 से छोटा नहीं है, बाकी सभी इंटीजर से छोटा नहीं है, मतलब छोटा है, मतलब 5.5 के बराबर या इससे बड़ा सबसे छोटा इंटीजर नंबर है। यदि हम 4.9 कहते हैं इनपुट तो भी आउटपुट 5 होगा, क्योंकि 4.9 से बड़ा सबसे छोटा इंटीजर 5 है। फ्लोर ऑफ एक्स ये एक वो नंबर है जो लार्जेस्ट इंटीजर है लेकिन सबसे लार्जेस्ट इंटीजर लेकिन जो इनपुट एक्स है उससे छोटा नहीं है, उससे बड़ा नहीं है। जैसे इनपुट में हमने 4.9 दिया तो 4 लार्जेस्ट इंटीजर है जो 4.9 से छोटा है, उससे बड़ा कोई भी इंटीजर 4.9 से छोटा नहीं होगा, तो वो होगा फ्लोर एक्स। पीओडब्ल्यू एक्स, इसमें दो आर्ग्यूमेंट है इनपुट के रूप में, दो वैल्यूज हैं एक्स और वाई। यहाँ इनका ऑर्डर भी सही रहना चाहिए, एक्स पहली वैल्यू है वाई दूसरी वैल्यू है, तो पीओडब्ल्यू एक्स कॉमा वाई का मतलब है एक्स टू द पावर वाई, एक्स रेज टू द पावर वाई पावर, एक्स की घात वाई कैलकुलेट करना है तो हम पीओडब्ल्यू एक्स कॉमा वाई लिखेंगे। यहाँ एक्स और वाई दोनों ही रियल नंबर हैं। एफ एम ओ डी एक्स कॉमा वाई ये एक फ्लोटिंग पॉइंट रिमाइंडर होता है, उसके लिए हम एफ एम ओ डी फंक्शन काम में लेते हैं। ये एक्स और वाई को 10, 100, 1000 या 10,000 से इस तरह से मल्टीप्लाई करता है कि एक्स और वाई दोनों इंटीजर बन जाएं। जैसे मान लें कि हमने 1.9 अपॉन 1.12 लिख दिया, तो 1.9 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर वो 19 इंटीजर बन जाता है। नीचे हमने 1.12 लिखा था जिसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर वो 11.2 बनता है। हम यदि दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.9 बन जाता है 190 जो कि इंटीजर है, और 1.12 बन जाता है 112, 112, दोनों इंटीजर बन गए। उसके बाद उनका रिमाइंडर लेंगे, 190 में 112 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा वो निकालेंगे, और फिर जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया था, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो उस रिमाइंडर में 100 का भाग दे देंगे। ये होता है फ्लोटिंग पॉइंट रिमाइंडर। तो वो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ फंक्शन है एफ एम ओ डी एक्स कॉमा वाई। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन ऑफ एक्स, कोस ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स, इनको लिखना है। पैटर्न है साइन के लिए एस आई एन और पैरेंथेसिस में एक्स, कोस के लिए सी ओ एस पैरेंथेसिस में एक्स, टेन के लिए टी एन पैरेंथेसिस में एक्स। यहाँ एक्स की वैल्यूज है वो इनपुट में रियल नंबर्स होंगे और वो रेडियंस में इनपुट में लेनी होंगी। बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स के लिए है ए एस आई एन पैरेंथेसिस मैक्स, ए सी ओ एस पैरेंथेसिस मैक्स, ए टी एन पैरेंथेसिस मैक्स। ए एस आई एन एक्स का मतलब है साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ साइन और कोस इनवर्स एक्स के लिए एक्स की इनपुट वैल्यूज -1 to 1 होगी, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, और ये जो वैल्यू देंगे वो रेडियंस में देंगे, इनका रिटर्न टाइप रेडियंस में होगा। ए टी एन जो है उसमें एक्स जो इनपुट है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स जो है वो वैल्यूज -π से π के बीच में देंगे, मतलब π 3.1415926 से बड़ी वैल्यू नहीं होगी और इसकी नेगेटिव से छोटी वैल्यू नहीं होगी। हाइपरबोलिक फंक्शंस, तो हाइपरबोलिक में साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक एंड टेन हाइपरबोलिक के लिए हम लिखते हैं साइन एस आई एन एच पैरेंथेसिस में इनपुट आर्ग्यूमेंट एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स के लिए सी ओ एस एच पैरेंथेसिस में एक्स, टेन हाइपरबोलिक के लिए टी एन पैरेंथेसिस में एच टी एन एच पैरेंथेसिस में एक्स। इसी तरह से हाइपरबोलिक इनवर्स के लिए साइन के लिए ए एस आई एन एच, मतलब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के लिए
ए एस आई एन एच पैरेंथिस मैक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स के लिए, इनवर्स एक्स के लिए ए सी यू एस एच पैरेंथिस मैक्स, इसी तरह से टेन हाइपरबोलिक एक्स इनवर्स एक्स के लिए ए टी एन एच पैरेंथिस मैक्स। जब हम इनको कंपाइल करते हैं तो हम फिर याद रख लेते हैं कि जब भी हम कंपाइल करें तो हमें माइनस एल एम लगाना ज़रूरी है, कंपाइल करते समय माइनस एल एम लगाना ज़रूरी है। जब हम विंडोज़ काम में लेते हैं और क्लिक करके कंपाइल करते हैं वहाँ हर जगह माइनस एल एम ऑटोमेटिकली लगता है। यदि हम लिनक्स काम में ले रहे हैं या कमांड मोड में जीसीसी से कंपाइल कर रहे हैं तो यहाँ माइनस एल एम सेंटेंस के कंपाइल की कमांड के एंड में लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज ये मैथ लाइब्रेरी को इंक्लूड नहीं करेगा। एल और एम दोनों लोअर केस में हैं, छोटे अक्षरों में हैं। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल है जो एक्स को रीड करता है उसका क्यूब रूट प्रिंट करता है, एक्स में टेन ऐड करके उसका क्यूब रूट प्रिंट करता है। कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रन करते हैं, कोई नंबर देते हैं तो हम जैसे 1000 दें तो 1000 का क्यूब रूट है 10 जो प्रिंट हो गया है, और 10 का है 10.00 या 10.033223। दोबारा रन करते हैं, इस बार इनपुट देते हैं 990 तो 990 का है क्यूब रूट है 9.9665555, और उनमें 10 ऐड करने पर 1000 बन जाता है जिसका क्यूब रूट है 10.000। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम एक्स को रीड करते हैं, e raised to x power प्रिंट करते हैं, log ऑफ x प्रिंट करते हैं, log ऑफ x ऑन बेस 10 प्रिंट करते हैं, और फिर इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके y को साइन कर देते हैं, देन y को प्रिंट करते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन करते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू दे देते हैं जैसे हम 2 देते हैं तो ईट दबाउट 2 होता है 7.389056, 2 का नेचुरल लॉग होता है 0.693147 और 10 बेस रूट होता है 0.301030, इन सब का एडिशन प्रिंट हो गया। फिर से रन करते हैं, यहाँ पर वैल्यू देते हैं 1 तो 1 लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, नेचुरल लॉग भी और 10 बेस की भी। फिर से रन करें और यहाँ पर वैल्यू देते हैं 2.718282, तो ये ऑलमोस्ट ई की वैल्यू दी है, ई टू द पावर ई होता है 15.154265, नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है और 10 बेस लॉग 6.434295 होता है, बाद में एडिशन प्रिंट हो गया। एक बार और रन करते हैं, हम 100 इनपुट करके देखते हैं तो ई टू द पावर 100 एक बहुत बड़ा नंबर बनता है, तो कभी भी इस तरह नंबर बने तो इसको प्रिंट करने के दूसरे मेथड हैं जो हम बाद में देखेंगे, परसेंटेज एफ की जगह परसेंटेज ई लिखेंगे, अदरवाइज ये नंबर बहुत ही अजीब लगेगा, ई टू द पावर 100 बहुत अजीब लगेगा, इसमें एक्यूरेसी भी इतनी अच्छी नहीं है, कुछ शुरुआती डिजिट्स को देख छोड़कर बाकी आगे के डिजिट्स एक्यूरेट नहीं है, और बाद में लॉग ऑफ 100 ऑन बेस 10 ऑन बेस ई 4.605173 हो गया, और लॉग ऑफ 100 ऑन बेस 10 2 है। इनका एडिशन इन्फिनिटी इसलिए आया है क्योंकि ये जो नंबर प्रिंट हुआ है ये
इसमें 4 to 6 ऐड करने पर ये आउट ऑफ रेंज चला जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सेल एंड फ्लोर का। तो यहाँ पर हम एक नंबर एक्स रीड करते हैं, उसका सेल प्रिंट करते हैं, उसका फ्लोर प्रिंट करते हैं एंड सेल एंड फ्लोर का एडिशन प्रिंट कर देते हैं। फिर हम सेल एंड फ्लोर के एडिशन का की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो वाई को असाइन करते हैं और फिर उसको प्रिंट कर देते हैं। फिर वाई को उसी का लॉग असाइन करते हैं, नेचर लॉग, और उसको प्रिंट कर देते हैं। कुछ टेस्ट करके देखते हैं। तो हम कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। रन करते हैं और यहाँ इनपुट में हम देते हैं थ्री। तो थ्री का सेल एंड फ्लोर सेम ही रहेगा क्योंकि थ्री इंटीजर है और एडिशन 6 हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू 6 होगी और 6 का जो भी नेचुरल लॉग है प्रिंट कर दिया। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं 4.9। 4.9 का सेल है वो 5 है, फ्लोर 4.9 का 4 है, टोटल एडिशन 9 हुआ और 9 के एब्सोल्यूट वैल्यू 9 और नेचुरल लॉग वॉट एवर। फिर से रन करते हैं, इस बार हम देते हैं -4.8। -4.8 का सेल नंबर -4 है, फ्लोर नंबर -5 है और एडिशन है वो -9 आ गया। -9 का एब्सोल्यूट वैल्यू 9 है और जो भी इसका नेचुरल लॉग है वो प्रिंट कर दिया गया है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है पावर एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिमाइंडर के लिए। एक्स और वाई दो नंबर रीड करते हैं, फिर एक्स टू द पावर वाई प्रिंट करते हैं और एक्स मॉड वाई प्रिंट कर रहे हैं। कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, कंपाइल किया, अब हम रन करते हैं। यहाँ कुछ नंबर्स देते हैं इनपुट में, जैसे हमने 2 and 2 दे दिया तो रिमाइंडर तो 0 होगा, 2 to the power 2 4 होगा। फिर से देखते हैं 2 and 3 देते हैं, 2 to the power 3 8 होता है, 2 remainder 3, 2 by 3 का रिमाइंडर 2 ही होगा। हम 3 and 2 देते हैं तो रिमाइंडर 1.0 आना है जो नेचुरल नंबर्स का है। हम कुछ और कंपाइल कर दिया, रन करके देखते हैं। यहाँ हम देते हैं 1.9 और 1.12। तो यहाँ 1.9 टू द पावर 1.12 होता है 2.05 to 1.26 जो आ गया और फ्लोटिंग पॉइंट रिमाइंडर है 0.78। मतलब हम 190 में 112 का भाग देने पर 78 रिमाइंडर आता है, जिसमें 100 का भाग देने पर 0.78 हो जाता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है वो ट्रिगन एक्स को रीड करता है और बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में साइन एक्स, कोस एक्स एंड टेन एक्स की वैल्यू प्रिंट करता है। कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रन करते हैं तो रन करने पर ये कह रहा है एंगल की वैल्यू रेडियंस में दो। हम वैल्यू देते हैं 1.57 जो ऑलमोस्ट पाई बाई 2 है। तो एग्जैक्ट पाई बाई टू नहीं है। तो यहाँ पर साइन ऑफ 1.521 होगा, कोस पाई बाई 2 0 होता है ऑलमोस्ट, तो ये 0.00796 दिखा रहा है और टेंजेंट ऑलमोस्ट इन्फिनिटी होता है जो यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर दिखा रहा है। दोबारा रन करते हैं, हम 0 इनपुट में देते हैं तो साइन 0 0 होता है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। परफेक्ट। हम कोई और वैल्यू देते हैं, 1 इनपुट में देते हैं तो साइन 1 की वैल्यू 0.841471, साइन कोसाइन 1 की 0.540302
एंड टेंजेंट 1 की वैल्यू 1.557408 होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स एक नंबर रीड किया है, बाद में उसका साइन इनवर्स ऑफ एक्स और कोस इनवर्स ऑफ एक्स प्रिंट करते हैं, देन साइन इनवर्स एक्स एंड कोस इनवर्स एक्स का एडिशन प्रिंट करते हैं। कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रन करते हैं, एक नंबर देते हैं इनपुट में, कोई रियल नंबर। तो यहाँ पर ये कह रहा है माइनस वन से वन के बीच में देना है, हम 0.5 दे देते हैं। तो 0.5 साइन इनवर्स ऑफ 0.5 होता है 30 डिग्री, रेडियंस में होगा 0.523599। कोस इनवर्स 0.5 होता है 60 डिग्री, जो जस्ट उसका डबल होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ 1.047198 हो गया, और इनका एडिशन हमेशा पाई बाई टू रहेगा, जो कि ऑलमोस्ट 1.570796 होता है। हम कोई और वैल्यू देख के देखते हैं, ये माइनस वन से वन के बीच में देनी है, तो माइनस 0.5 देते हैं। तो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ माइनस 0.5 है, वो माइनस 0.523599 है, और कोसाइन ऑफ माइनस 0.5 जो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये 2.094395 है। और साइन इनवर्स ऑफ 0.5 ये माइनस 30 डिग्री, और कोसाइन ऑफ माइनस 0.5 है ये 120 डिग्री होगा। तो कोरिस्पोंडिंग जो भी रेडियंस में वैल्यू है वो प्रिंट कर दिया है, और उसका समेशन अगेन पाई बाई टू। फिर से रन करते हैं, इस बार हम माइनस वन से वन की बजाय वैल्यू कोई बाहर की दे देते हैं 5। तो उस केस में साइन इनवर्स ऑफ 5, कोस इनवर्स ऑफ 5 एंड उनका समेशन ये नन प्रिंट करता है। नन प्रिंट करने का मतलब समथिंग कुछ ऐसा है जो अपनी रेंज से बाहर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, वो कई तरह के आउटपुट प्रिंट करने के लिए लिया गया है, जिसमें सब तरह के आउटपुट हम प्रिंट कर रहे हैं एक साथ। सबसे पहले दो प्रिंट स्टेटमेंट हैं जो स्क्वायर रूट प्रिंट कर रहे हैं, 900 का एंड 9 का। बाद में नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट हैं जो 1 और 2, ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल 1 एंड एक्सपोनेंशियल 2, ई की घात 1 और ई की घात 2 को प्रिंट कर रहे हैं। बाद में दो स्टेटमेंट हैं जो नेचुरल लॉग ऑफ ई एंड नेचुरल लॉग ऑफ ई स्क्वायर प्रिंट कर रहे हैं, जो कि 1 और 2 आना चाहिए। उसके बाद में कुछ स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स हैं जो log 1, log 10 एंड log 100 ऑन base 10। base 10 वाले log की वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं 1, 10 और 100 के लिए, जो कि 0, 1, 2 आनी चाहिए। उसके बाद में एब्सोल्यूट वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं 13.5 की, 0 की एंड माइनस 13.5 की। तो 13.5 और माइनस 13.5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 13.5 होगी, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होगी। उसके बाद में दो स्टेटमेंट हैं जो 9.2 एंड माइनस 9.8 का सेल नंबर प्रिंट कर रहे हैं, तो 9.2 का सेल नंबर 10 होगा, माइनस 9.8 का माइनस 9 होगा। फिर नेक्स्ट टू स्टेटमेंट्स हैं जो इन्हीं नंबर्स के फ्लोर वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं, तो फ्लोर वैल्यूज यहाँ क्योंकि ये इनपुट इंटीजर्स नहीं है, इसलिए फ्लोर वैल्यूज इनकी सेल वैल्यूज से एक एक कम होगी। तो 9.2 के लिए फ्लोर वैल्यू 9 एंड माइनस 9.8 के लिए फ्लोर वैल्यू माइनस 10। उसके बाद में दो स्टेटमेंट हैं जो पावर्स 2 की घात 7 एंड 9 की घात 0.5, मतलब स्क्वायर रूट जैसा, उनको प्रिंट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है एफ मोड, जो 13.675 में 2.333 का भाग देने पर जो फ्लोटिंग पॉइंट रिमाइंडर आता है उसको प्रिंट करेगा। उसके बाद में 3 प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स हैं जो साइन ऑफ 0, कोसाइन ऑफ 0 एंड टेंजेंट ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट करेगा। कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। ये रन करने पर इसका आउटपुट आ गया है।
आउटपुट को स्क्रॉल करके देख लेते हैं, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 930, स्क्वायर रूट ऑफ 93, ई टू द पावर 1 जो की वैल्यू है, ई टू द पावर 2 ई स्क्वायर की वैल्यू प्रिंट हो गई, लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ई 1, लॉग ऑफ ई स्क्वायर 2, लॉग ऑफ 1 ऑन बेस 10 0, लॉग ऑफ 10 ऑन बेस 10 इज 1, लॉग ऑफ 100 ऑन बेस 10 इज 2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13.5 इज 13.5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 13.5 इज 13.5, सेल 9 ऑफ 9.2 इज 10, सेल ऑफ 9 माइनस 9.8 इज माइनस 9, फ्लोर ऑफ 9.2 इज 9, फ्लोर ऑफ माइनस 9.8 इज 10 माइनस 10, 2 टू द पावर 7 इज 128, 9 टू द पावर 0.5 इज 3, 13.6577 अपॉन 2.333 इज फ्लोटिंग पॉइंट, रिमाइंडर पॉइंट इज 1.992, एंड साइन ऑफ 0 इज 0, कोसाइन ऑफ 0 इज 1, टेंजेंट ऑफ 0 इज 0, ये सभी आउटपुट हैं। कुछ सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ये जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनके बाद में इन स्टेटमेंट्स के लिए जब इनको लिखा जाता है तो अक्स को क्या वैल्यू मिलेगी या क्या अक्स की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हमने लिखा अक्स इज इक्वल्स टू एफ ए बी एस 7.5, तो 7.5 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये पॉजिटिव नंबर है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा और एक्स को 7.5 ही आंसर में वैल्यू मिल जाएगी। बाद में फ्लोर ऑफ 7.5, तो वो सबसे बड़ा इंटीजर जो 7.5 से बड़ा ना हो, तो 7 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है तो इसको यहाँ पर एक्स की वैल्यू 7 होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0.0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होगी। सेल वैल्यू ऑफ 0.0 वो भी 0 होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6.4 ये +6.4 होगी। सेल नंबर ऑफ -6.4 तो -6 होगा। उसके बाद में है सेल ऑफ माइनस एफ ए बी एस ऑफ -8 प्लस फ्लोर ऑफ -5.5, तो सबसे यहाँ इनर मोस्ट है -5.5 और उसकी फ्लोर वैल्यू, तो उसकी फ्लोर वैल्यू है -6। -6 में -8 ऐड होगा तो होगा -14, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी +14, लेकिन यहाँ एक और माइनस साइन लगा है ये उसको बना देगा वापस -14 और उसका सेल नंबर है वो -14 ही होगा। फिर से हम फंक्शंस पे आते हैं, तो हम एनसीआर को समझते हैं। यहाँ पर हमें तीन कैलकुलेशंस करनी है, फैक्टोरियल ऑफ एन, फैक्टोरियल ऑफ आर एंड फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर। यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग हमें एक टूल देता है जिसको हम फंक्शन कहते हैं, तो हम एक ऐसा कॉमन फंक्शन यहाँ पर बना सकते हैं जो इन तीनों की, तीनों फैक्टोरियल्स की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करेगा एंड देन उन सब तीनों वैल्यूज को एक साथ करके एक ही जगह हम एक टर्म के रूप में कैलकुलेट कर लेंगे। हम उस फंक्शन को एक ब्लैक बॉक्स की तरह मानेंगे कि उसमें हमने एक इनपुट दिया और उसने कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट दे दिया, मतलब अपने उसके लोकल वेरिएबल्स हैं उनके नाम क्या हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने हम जहाँ से दे रहे हैं वहाँ लोग उन वेरिएबल्स के नाम कुछ और हो सकते हैं। तो इस तरह से ये ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्लैशिंग नहीं होगी और फंक्शन किस तरह से, फंक्शन जो वैल्यूज इनपुट में लेगा वो नॉर्मल वैल्यूज की तरह लेगा जैसे न्यूमेरिक वैल्यूज हों हमने इंटीजर इनपुट में दिए हों। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से होती है, तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम वन बाई वन समझने की कोशिश करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करना और उसको काम में लेना।
तो हम एक प्रोग्राम से शुरुआत करते हैं जो एक इंटीजर नंबर का स्क्वायर प्रिंट करता है, एक इंटीजर का वर्ग ज्ञात करता है। सिंपल सी प्रोग्राम देखें तो उसमें एक इंटीजर ए डिक्लेयर किया है, उसको रीड किया और बाद में उसका स्क्वायर मतलब ए स्टार ए, ए यदि इंटीजर डिक्लेयर किया है तो उसका उसके साथ में ए स्टार ए को प्रिंट कर दिया, ये उस नंबर ए का जो हम इनपुट में देंगे उसका स्क्वायर प्रिंट कर देगा। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, जहां इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखा है उसके बाद में और इंट मैन से पहले हम इंसर्ट करते हैं एक प्रोटोटाइप फंक्शन। नीचे जहां मेन फंक्शन का एंड हो चुका है उसके बाद में जो प्रोटोटाइप फंक्शन इंसर्ट किया है उसकी बॉडी मतलब उसमें क्या करना है वो लिख देते हैं, और जहां ए स्टार ए लिखा है उस जगह पे उस फंक्शन को उस जगह से रिप्लेस कर देते हैं। इसके लिए ये तीन बदलाव हम कर रहे हैं, मतलब एक फंक्शन स्क्वायर प्रोटोटाइप के रूप में यहाँ पर इंसर्ट किया है, मतलब इंट मतलब ये फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब यहाँ मेन फंक्शन में जहाँ या किसी फंक्शन में इस फंक्शन को कॉल किया है, इसको लिखा गया है, वहाँ पर किस तरह का नंबर प्रिंट करना है, इंटीजर करना है, फ्लोट करना है, डबल करना है, वो नाम लिख दिया, उसके बाद में फंक्शन का नाम और बाद में पैरेंथेसिस में इसमें कितने इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हैं उनका डाटा टाइप लिख दिया। यहाँ एक ही इनपुट है जो कि इंटीजर है इसलिए इंट लिख दिया और सेमीकोलन। नीचे उस फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, तो उस फंक्शन के अंदर जैसा प्रोटोटाइप में लिखा वैसा, लेकिन यहाँ आर्ग्यूमेंट का वेरिएबल नेम दे दिया जो कि यहाँ पर हमने एक्स दिया है। नीचे करना क्या है, तो रिटर्न एक्स स्टार एक्स, हम एक्स का स्क्वायर भेज रहे हैं, मतलब यहाँ लिख दिया रिटर्न एक्स स्टार एक्स, और जहाँ ए स्टार ए लिखा था वहाँ स्क्वायर और पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट के रूप में ए लिख दिया। अब हम इसको कंपाइल और रन करके देख लेते हैं, तो कंपाइल और रन करने के लिए पहले हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम, तो ये इसमें प्रोग्राम में कमेंट है, बाद में प्रोग्राम में stdio.h इंक्लूड किया है, प्रोटोटाइप फंक्शन दिया गया है, बाद मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में एक को डिक्लेयर किया, एक को रीड किया, उसके बाद में स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया है, जो वो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद में स्क्वायर फंक्शन है जो एक्स स्टार एक्स रिटर्न कर रहा है। अब हम इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। इसको जब हम कंपाइल करते हैं तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, और बाद में रन करते हैं तो एक इंटीजर मांग रहा है, हम इंटीजर वैल्यू दे दें जैसे 5 दिया तो ये 5 squared is 25 प्रिंट कर रहा है, हम 10 देते हैं तो 10 squared is 100 प्रिंट कर रहा है, हम 123 देते हैं तो 123 का स्क्वायर 15129 प्रिंट कर रहा है। इस तरह से अब हम इसको जो मेन बॉडी है पहले उस पर फोकस करते हैं, तो int square ब्रैकेट में int x और बाद में curly braces में return x star x, इस पर फोकस करते हैं और इसको समझते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले हमने पर जो कर्ली ब्रेसेज हैं मतलब मेन बॉडी है उसके अंदर हमने इंट y लिखा, फिर y इक्वल टू एक्स स्टार एक्स लिखा और बाद में रिटर्न y लिख दिया। तो यहाँ पर ये कोई भी फंक्शन है उसका जनरल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है वो बता देते हैं, तो उसमें वो जनरल फॉर्मेट होता है रिटर्न वैल्यू टाइप, फंक्शन नेम, बाद में पैरेंथिसिस में छोटे कोष्टक के अंदर पैरामीटर लिस्ट, और बाद में कर्ली ब्रेसेस में डेफिनेशंस एंड स्टेटमेंट्स, मतलब रिटर्न डाटा टाइप, मतलब ये फंक्शन जहाँ काम में लिया जा रहा है वहाँ किस तरह की वैल्यू चाहिए, हमें इंटीजर चाहिए, फ्लोट चाहिए, डबल चाहिए, करेक्टर चाहिए, वो है रिटर्न डाटा टाइप, रिटर्न वैल्यू टाइप, तो वो यहाँ पर है इंटीजर तो हमने इंट लिख दिया। बाद में फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम क्या है, तो अब हमारे यहाँ फंक्शन का नाम है स्क्वायर, हमने स्क्वायर लिख दिया। बाद में पैरेंथेसिस
पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट में मतलब इनपुट आर्गुमेंट्स, अपने यहाँ इनपुट आर्गुमेंट एक्स है, एक वेरिएबल है जिसका स्क्वायर निकालना है, तो इनपुट के रूप में इंट एक्स, और बाद में कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस या न्यू लाइन में भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में आते हैं डेफिनेशंस, तो हमने यहाँ डेफिनेशन दे दी इंट वाई, वाई इक्वल टू एक्स स्टार एक्स, वाई क्या है एक इंटीजर है और उसकी वैल्यू क्या है एक्स का स्क्वायर है, ये डेफिनेशंस या स्टेटमेंट्स जो भी हैं वो लिख दिए, एंड में रिटर्न वाई जो वैल्यू हमें भेजनी है वो वैल्यू है उसको रिटर्न कर दिया, और कर्ली ब्रेसेस ऑफ। इस तरह से हम एक ही प्रोग्राम को चार तरह से, एक फंक्शन को चार भागों में बांट देते हैं, वो चार कौन कौन से हैं, तो एक है नो रिटर्न वैल्यू नो इनपुट पैरामीटर, मतलब यहाँ रिटर्न वैल्यू टाइप लिखा है, यहाँ पर हम लिखेंगे void void, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा, मतलब उस फंक्शन में जैसे पिछले फंक्शन में हमने रिटर्न स्क्वायर किया है वैसा इसमें नहीं करेंगे, और यहाँ इनपुट पैरामीटर लिस्ट है वो भी खाली रहेगी, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं लिखा होगा, या हम void लिख देंगे। दूसरा है नो रिटर्न वैल्यू जस्ट इनपुट पैरामीटर्स, मतलब फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, उसमें सिर्फ इनपुट पैरामीटर्स होंगे, उसके आधार पे वो कुछ काम करेगा लेकिन रिटर्न नहीं करेगा, हम जहाँ भी फंक्शन को यूज कॉल कर रहे हैं यूज कर रहे हैं वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं जाएगी। तीसरा है ओनली रिटर्न वैल्यू नो इनपुट पैरामीटर्स, मतलब फंक्शन अपने आप से कोई वैल्यू रिटर्न करेगा लेकिन हम इनपुट पैरामीटर लिस्ट है पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे या वॉइड लिखेंगे। और चौथा है बोथ रिटर्न वैल्यू एज वेल एज इनपुट पैरामीटर्स, मतलब इनपुट में पैरामीटर होंगे रिटर्न वैल्यू भी करेगा। हम फोर्थ टाइप का फंक्शन देख चुके हैं, अब बाकी टाइप के फंक्शंस देखते हैं। तो हम देखते हैं ये एक प्रोग्राम है जिसको हम देखते हैं समझते हैं कोशिश करते हैं। तो यहाँ चार फंक्शंस प्रोटोटाइप फंक्शंस हैं, पहला है INS जिसमें कोई इनपुट पैरामीटर नहीं है, कोई इनपुट पैरामीटर नहीं है और नथिंग रिटर्न टाइप, कुछ भी ये रिटर्न टाइप नहीं है, दोनों जगह void लिखा है। दूसरा है प्रिंट वैल्यू, प्रिंट वैल्यू में एक इनपुट पैरामीटर है लेकिन ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। तीसरा है रीड वैल्यू जो रिटर्न एक इंटीजर करेगा लेकिन इनपुट में कोई पैरामीटर नहीं है। और चौथा है स्क्वायर जिसमें एक इनपुट पैरामीटर इंटीजर है और वो इंटीजर ही रिटर्न कर रहा है। मेन फंक्शन में हम जाते हैं, तो मेन फंक्शन में हम सारे फंक्शंस को कॉल करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमने इंट ए और एस डिक्लेयर किया है, उसके बाद में INS फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसको कोई इनपुट नहीं है कोई रिटर्न नहीं है। बाद में हम a इक्वल टू रीड वैल्यू फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब रीड वैल्यू फंक्शन जिसका कोई इनपुट नहीं है लेकिन इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा उसको कॉल करते हैं, और उस वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम यहाँ a को असाइन कर देंगे। नेक्स्ट है स्क्वायर, स्क्वायर को कॉल किया है, इसमें एक वैल्यू इनपुट में दे रहे हैं और ये उसके एवज में हमें एक वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है, तो हम स्क्वायर फंक्शन में जो a पिछला वैल्यू ए की थी वो इनपुट में देंगे, वो उस वैल्यू से कुछ कैलकुलेशन करके कुछ रिटर्न करेगा, वो हम एस को असाइन कर रहे हैं। बाद में हम प्रिंट वैल्यू फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसमें एस की जो वैल्यू है वो इनपुट में दे रहे हैं और वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। हम इन फंक्शंस को देखते हैं, तो INS फंक्शन जो है जिसमें कोई इनपुट नहीं है कोई आउटपुट नहीं है वो प्रिंट करेगा, एक प्रिंट स्टेटमेंट है उसमें और वो प्रिंट वैल्यू है गिव एन इंटीजर, मतलब वो एक प्रॉम्प्ट है जस्ट वो वैसा ही प्रिंट करेगा जब भी उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। प्रिंट वैल्यू जो फंक्शन है उसमें एक इनपुट है इंटीजर और ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा स्क्वायर ऑफ गिवन वैल्यू इज और उस वैल्यू एक्स को प्रिंट कर देगा। रीड वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा इनपुट कुछ नहीं लेगा, तो ये क्या कर रहा है, ये इसमें एक इंटीजर एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है उस एक्स को रीड किया है टर्मिनल से और रिटर्न कर दिया।
मतलब यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट होगी जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, रीड होगी x की वैल्यू और उस वो रिटर्न होगी, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू ही रीड एंड रिटर्न होगी। और बाद में स्क्वायर, तो स्क्वायर में हम पहले भी देख चुके हैं एक वैल्यू इनपुट है उसका स्क्वायर करता है और उसको रिटर्न कर देता है। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। रन किया तो सबसे पहले ins फंक्शन को कॉल किया था जो प्रिंट कर रहा है गिव एन इंटीजर। अब हम कोई इंटीजर वैल्यू देंगे उसके लिए रीड वैल्यू फंक्शन को कॉल किया गया है जो उस वैल्यू को रीड करेगा और मेन फंक्शन में रिटर्न करेगा। जो हम यहाँ वैल्यू देते हैं, जैसे हमने 7 दिया तो यह रीड वैल्यू ने रीड किया, मेन फंक्शन को भेजा, मेन फंक्शन ने इस वैल्यू को 1 को असाइन किया, a है वो इस वैल्यू को स्क्वायर फंक्शन को भेजेगा, वो स्क्वायर फंक्शन उसका स्क्वायर करके 49 बनाएगा, वो 49s को भेजा जाएगा और s प्रिंट वैल्यू फंक्शन को कॉल करेगा, प्रिंट वैल्यू फंक्शन उस 49 को प्रिंट कर देगा और ये सारा काम हो गया। अब हम ये जो काम हो रहे हैं इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो void ins, ये सारे वो फंक्शंस हैं, चारों तरह के फंक्शंस हैं जो अभी हमने एग्जांपल में देखे। इनमें सबसे पहले है रिटर्न वैल्यू टाइप। तो चारों फंक्शंस में दो में रिटर्न टाइप void है, मतलब ये फंक्शन का नाम है उससे पहले void लिखा हुआ है इसलिए कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। और दो में इंट लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों इंटीजर रिटर्न करेंगे जो फंक्शन की बॉडी में हमने लिख भी रखा है, रिटर्न एक्स या रिटर्न वाई, जो भी रिटर्न कर रहा है वो इंटीजर है। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन जब रिटर्न करता है कुछ तो हम उसको क्या वैल्यू रिटर्न करनी है उस तरह का उस फंक्शन को डिक्लेरेशन में दे देते हैं रिटर्न वैल्यू टाइप। और उसके बाद में यदि कुछ रिटर्न नहीं करता है तो हम क्या लिखते हैं, void लिखते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन नेम। तो यहाँ चारों फंक्शंस के नाम है जो वैलिड आइडेंटिफायर होने चाहिए। वैलिड आइडेंटिफायर का क्या मतलब है कि इनके जो नाम है उनमें वेरिएबल नेम में ये अल्फाबेट, कोई डिजिट या अंडरस्कोर ही इंक्लूड कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। उसमें भी डिजिट इसका स्टार्टिंग करेक्टर नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग करेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए, मतलब अंडरस्कोर या अल्फाबेट हो सकता है। जैसे इसमें स्टार्टिंग आई है, प्रिंट वैल्यू में पी है, रीड वैल्यू में आर है, स्क्वायर में एस है। उसके आगे हम इंटीजर कोई नंबर दे सकते हैं, हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट लगा सकते हैं, वो है वैलिड आइडेंटिफायर। फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट में यदि हमने जैसे दो फंक्शन में इनपुट में पैरामीटर है आई एन टी एक्स स्क्वायर और प्रिंट वैल्यू में, तो वहाँ हमने पैरामीटर लिस्ट दे दी, एक से ज़्यादा होते तो कोमा लगा के सारे दे देते, लेकिन यदि कोई पैरामीटर इनपुट नहीं है तो हम इसको खाली छोड़ सकते हैं पैरेंथेसिस को या वॉइड लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल है इस तरह का जिसमें तीन इनपुट के पैरामीटर्स हैं और रिटर्न टाइप कुछ नहीं है। ये एक सिंपल कैलकुलेटर है जिसमें ए बी दो इंटीजर्स रीड किए हैं, एक करेक्टर ये डिक्लेयर किए हैं और इनको फिर रीड किया है। किस फॉर्मेट में किया है, पहले एक इंटीजर फिर एक करेक्टर उसके बाद फिर इंटीजर, मतलब नॉर्मली हम एक ही दो नंबर्स का वो बाइनरी ऑपरेशन होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन उस तरह का, जिसमें ए 5+3 5-3 7/2 एट स्टार 2 इस तरह से लिखते हैं। तो हम एक इंटीजर लिखते हैं बाद में एक करेक्टर और उसके बाद में एन इंटीजर,
तो ये ही यहाँ पर इनपुट का फॉर्मेट रखा गया है, मतलब रीड करेंगे वहाँ एक इंटीजर देना है, बाद में एक करेक्टर और बाद में इंटीजर, और ये विदाउट स्पेस देना है। और उसके बाद में उस फंक्शन को कॉल किया है जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। उस फंक्शन में पहले दो इंटीजर वैल्यूज लिखी हैं, बाद में एक करेक्टर को इनपुट में दिया है। ये ही यहाँ प्रोटोटाइप में डिक्लेरेशन में किया, इंट इंट से चार। बाद में जब मैन फंक्शन की बॉडी देखें तो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो इनपुट करेक्टर है, थर्ड नंबर पे करेक्टर है, तो जेड यहाँ पर जी करेक्टर है, तो यदि ये करेक्टर प्लस है तो ये दोनों का एडिशन प्रिंट कर दे पहले दो पैरामीटर्स उनका, यदि ये माइनस है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन प्रिंट कर दे, स्टार है तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंट कर दे, और स्लैश है तो उनका डिवाइड प्रिंट कर दे। करेक्टर को हम हमेशा सिंगल कोट में लिखते हैं, इसलिए यहाँ सिंगल कोट में लिखा है, और नीचे लिखा है रिटर्न, और उसके बाद में लिखा है प्रिंट एफ ऑपरेशन इज नॉट गिवन इन दिस स्कोप। अब यहाँ पर ये रिटर्न लिखा है, हम अब तक बात कर रहे थे कि वॉइड में रिटर्न लिखते ही नहीं, लेकिन वॉइड में रिटर्न के आगे वैल्यू नहीं लिखते हैं, रिटर्न लिख सकते हैं। सिर्फ रिटर्न लिखने का मतलब है यहाँ पर फंक्शन का एंड हो गया है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं, हाँ तो ये हो गया। ये दो कमेंट्स हैं, उसके बाद में इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, प्रोटोटाइप फंक्शन, मैन फंक्शन, ए बी को डिक्लेयर किया, सी को डिक्लेयर किया, ए सी बी को रीड किया, मतलब इंटीजर करेक्टर इंटीजर रीड किया, फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन में क्या है, तो फंक्शन में यदि कैरेक्टर इनपुट कैरेक्टर एडिशन है तो दोनों का एडिशन प्रिंट करे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन प्रिंट करे, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करे, डिवाइड है तो डिवाइड प्रिंट करे, और रिटर्न मतलब फंक्शन का एंड, उसके बाद में एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट है। प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब रन करते हैं तो अब इनपुट देने 2+3, एडिशन इज 5, हम 10-2 देते हैं, सब्ट्रैक्शन इज 8, हम 11*3 करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन इज 33, और हम 33/3 करते हैं तो 11, हम 10/3 करते हैं तो इंटीजर्स का डिवीजन है इसलिए 3 आया है, रियल नंबर होते तो 3.3333 आ जाता। हम कुछ और इनपुट में देखकर देखते हैं, जैसे हमने 2 3 दे दिया तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया, हमने 2 3 दे दिया कुछ भी आउटपुट नहीं आया, इसको भी हम समझेंगे। तो यहां पर अब हम इसको अपने फंक्शन को समझते हैं। तो इसमें फंक्शन में जो पैरामीटर लिस्ट है, यहाँ पर 3 पैरामीटर इनपुट में, तीनों को कोमा से सेपरेट किया गया है, मतलब पहला पैरामीटर एक्स, बाद में इंट वाई, दोनों के बीच में एक कोमा लगा दी गई है, इंट वाई और सी एच आर जेड के बीच में भी एक कोमा लगा दी गई है। तो जो भी इनपुट पैरामीटर्स हैं उनकी डेफिनेशन में वेरिएबल्स को कोमा से सेपरेट करते हैं और उनकी ऑर्डरिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, उनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स हैं, जैसे हमने पहला वेरिएबल इंट एक्स, दूसरा इंट वाई और तीसरा सी एच आर जेड, तो यहाँ मेन फंक्शन में हमने इनपुट में दिया ए बी सी, मतलब ए की जो वैल्यू है वो एक्स को मिलेगी, बी की वाई को मिलेगी और सी की जेड को मिलेगी, क्योंकि ये इसका क्रम हमने रखा है। हमने पहला वेरिएबल जो पहला आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू पहले इनपुट पैरामीटर को ही मिलेगी, दूसरा आर्ग्यूमेंट दूसरे पैरामीटर को और तीसरा तीसरे को, ये क्रम यही रहेगा, क्रम परिवर्तित नहीं होगा। जो ही हम फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करने का मतलब कहीं भी वो फंक्शन लिखा हुआ है मेन फंक्शन में या जिस भी फंक्शन में हम अभी बात कर रहे हैं उसमें,
तो वहां पर क्या होता है, उसका कंट्रोल डायरेक्टली उस फंक्शन को ट्रांसफर हो जाता है। मतलब अब ये मेन फंक्शन में कोई और ऑपरेशन नहीं होगा जब तक कि ऑपरेशन वाला फंक्शन है ये कंप्लीट होके अपना काम पूरा नहीं कर देता। तो यहां से ये वैल्यूज तीनों ए बी सी की वैल्यूज लेकर ये उस फंक्शन में चला गया है, और इसको हम फंक्शन कॉल कहते हैं। और उसके बाद में ये मेन फंक्शन में तब आएगा जब उस फंक्शन में या तो उसका एंड हो जाए फंक्शन का, या उसको रिटर्न मिले। यहां पर हम अब इस फंक्शन की बात करें तो इस फंक्शन में तीन तरह से कंट्रोल हो सकता है। फंक्शन तीन तरह से कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करता है मतलब फंक्शन का कंट्रोल वापस एंड हो, इस फंक्शन में जहां हम हैं उसका कंट्रोल एंड हो, मतलब जहां इसको कॉल किया गया है अपना कर्सर वापस वहां चला जाए, या मेन फंक्शन में यहां कॉल किया गया है वहां पर वापस चला जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि इस फंक्शन का एंड हो। और इस फंक्शन का एंड तीन तरह से हो सकता है, या तो इसको क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस मिल जाएँ, ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस मिल जाएँ, या दूसरा ऑप्शन है कि इसको रिटर्न मिल जाए, या रिटर्न के आगे कोई एक्सप्रेशन मिल जाए। रिटर्न के आगे एक्सप्रेशन उन फंक्शंस में मिलेगा जो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, ये फंक्शन वॉइड है, ये कुछ रिटर्न नहीं करता, वो हम नहीं लिख सकते। तो या तो इसको कर्ली ब्रेसेस मिल जाए या रिटर्न मिल जाए, मतलब रिटर्न मिलते ही इस फंक्शन का एंड हो गया है। तो इस तरह से यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखा है ये कम्प्लीटली यूजलेस स्टेटमेंट लिखा है, क्योंकि ये रिटर्न के बाद में लिखा गया है, और ये फंक्शन है रिटर्न लिखते ही, रिटर्न आते ही इसका एंड हो जाएगा। उसके बाद में जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो किसी काम के नहीं है, वो कम्प्लीटली यूजलेस हैं। इसलिए लास्ट वाला स्टेटमेंट इस फंक्शन में यूजलेस है। हमें इस तरह के फंक्शंस अच्छे प्रोग्रामर के रूप में नहीं लिखने चाहिए। फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, या प्रोटोटाइप फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ। ए फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर्स द फंक्शंस रिटर्न टाइप एंड डिक्लेयर्स द नंबर टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर्स द फंक्शन एक्सपेक्ट्स टू रिसीव। तो इसको हम देखते हैं, तो हम अपना पिछला एग्जाम्पल है उसी को वापस लेते हैं। उसमें जो प्रोटोटाइप फंक्शन हमने लिया है ऑपरेशन वॉइड ऑपरेशन, इस पे फोकस करते हैं। इसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। इसकी क्या पहचान है, क्या इसमें होता है? तो फंक्शन प्रोटोटाइप है वो डिक्लेयर करता है कि फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, और उसमें पैरामीटर लिस्ट कितने पैरामीटर इनपुट पैरामीटर्स किस ऑर्डर में है, और उनका डेटा टाइप क्या है। मतलब यहाँ फंक्शन प्रोटोटाइप जो है उसमें जैसे ऑपरेशन है उसमें हम बता रहे हैं वॉइड, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का नाम आ गया, उसके बाद में पैरामीटर लिस्ट में हम यहाँ बता रहे हैं कि दो इंटीजर हैं और तीसरा करेक्टर है, ऑर्डर ये है पहला दूसरा इंटीजर और तीसरा करेक्टर है, बस इतना ही बता रहे हैं। यहाँ होगा क्या, जब कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो ऊपर से नीचे करता जाता है। अब मेन फंक्शन में जब उसको कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, यदि प्रोटोटाइप हमने नहीं दिया होता तो उसको प्रॉब्लम आती कि ऑपरेशन क्या चीज़ है, लेकिन हमने फंक्शन प्रोटोटाइप बता दिया तो वो यहाँ से मैच कर लेगा, हाँ ऑपरेशन नाम का कोई फंक्शन है और उसमें पहले दो इनपुट पैरामीटर्स इंटीजर और तीसरा करेक्टर है। जो भी कई बार हम फंक्शन प्रोटोटाइप में वेरिएबल नेम्स लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इंट एक्स इंट वाई करेक्टर जेड ये लिख दिया है, यदि इस तरह का हम लिखते हैं तो फंक्शन प्रोटोटाइप है वो उनको फंक्शन प्रोटोटाइप में इनको इग्नोर कर दिया जाता है, ये वेरिएबल नेम्स को कोई महत्व नहीं रहता, इनका कोई महत्व नहीं रहता। यदि कोई फंक्शन प्रोटोटाइप हमने लिया है और उसमें जैसे हमने
मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन दे दिए हैं, मतलब फंक्शन प्रोटोटाइप में हमने आर्गुमेंट में लिख दिया है कि यहाँ पर इंटीजर लिख दिया है और आर्गुमेंट में हमने फ्लोट दे दिया या ऑपोजिटली जो भी नंबर दे दिया है, तो जो भी अर्थमेटिक यूजुअल कन्वर्जन रूल्स हैं प्रोग्रामिंग के, स्टैंडर्ड यूजुअल जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो उनको कन्वर्ट कर लेता है। यदि वो कन्वर्ट नहीं कर पाता है तो हमें एरर मैसेज कंपाइलर दे देता है। अब कन्वर्जन स्पेसिफायर्स क्या हैं? डाटा टाइप, डिफरेंट डाटा टाइप्स के डिफरेंट कन्वर्जन स्पेसिफायर्स क्या हैं? तो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप के प्रिंटएफ में और स्कैनएफ में क्या डिफरेंस हैं और दोनों में क्या क्या लिखते हैं? तो जो भी फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस स्कैनएफ और प्रिंटएफ में होता है, बाकी इंटीजर टाइप्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है। कन्वर्जन स्पेसिफायर क्या है? तो हम जब भी प्रिंटएफ और स्कैनएफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो उनकी जो कंट्रोल स्ट्रिंग होती है जिसमें हम बताते हैं कि यहाँ इंटीजर यहाँ फ्लोट प्रिंट होता है, तो वो बताने का तरीका जो है उसको हम कहते हैं कन्वर्जन स्पेसिफायर। वहीं से जैसे हम परसेंटेज डी लिखते हैं तो इंटीजर प्रिंट होता है, परसेंटेज एफ लिखते हैं तो फ्लोट प्रिंट होता है। वहाँ पर ये परसेंटेज डी या परसेंटेज एफ ही कन्वर्जन स्पेसिफायर है। तो ये क्या क्या है? तो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स में लॉन्ग डबल के लिए है परसेंटेज एल एफ, प्रिंट टाइप में भी परसेंटेज एल एफ है, स्कैन एफ में भी परसेंटेज एल एफ है, डबल में प्रिंट टाइप में परसेंटेज एफ है, स्कैन एफ में परसेंटेज एल एफ है। यहाँ लॉन्ग डबल में एल अपर केस में है, डबल में एल लोअर केस में है, फ्लोट में फ्लोट के लिए दोनों जगह परसेंटेज एफ है। इंटीजर टाइप्स में प्रिंट टाइप और स्कैन एफ के लिए सब सेम है, समान है। अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर के लिए परसेंटेज एल यू, सब कुछ लोअर केस में है, परसेंटेज एल यू, एल फॉर लॉन्ग, यू फॉर अनसाइंड। लॉन्ग के लिए परसेंटेज एल डी, एल फॉर लॉन्ग, डी फॉर डेसिमल। अनसाइंड इंटीजर के लिए परसेंटेज यू, यू फॉर अनसाइंड। इंटीजर के लिए परसेंटेज डी, डेसिमल। शॉर्ट के लिए परसेंटेज एच डी और करेक्टर के लिए परसेंटेज सी। एडर्स क्या होते हैं? तो जो भी ईच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हैज ए कॉरस्पॉन्डिंग एडर कंटेनिंग द फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर ऑल द फंक्शंस इन द लाइब्रेरी एज वेल एज डेफिनेशंस ऑफ वेरिएबल सिंबलिक कॉन्स्टेंट्स नीडेड बाय दोज फंक्शंस। तो एडर फाइल वो हैं, वो जो फाइल जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स हैं हमें डिफॉल्ट रूप से दी जाती हैं और उनके अंदर कोई डेफिनेशन होती है, उनके अंदर कुछ करेक्टर्स की या कुछ फंक्शंस की या किसी तरह की डेफिनेशन होती है जो हम अपने प्रोग्राम लिखते समय उनको हम काम में लेते हैं। वो सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनको हम काम में लेते हैं, वो उस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में इंक्लूडेड होते हैं। हम खुद एडर इंक्लूड बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और उनको इंक्लूड कर सकते हैं। एडर फाइल को हम हैश इंक्लूड आगे एंगल ब्रेसेस या डबल कोट्स में इंक्लूड करते हैं। कुछ यूजफुल एडर फाइल्स का यहाँ डिस्कशन करूँगा जो नॉर्मली हमारे काम में आती हैं। इस तरह की बहुत सारी एडर फाइल्स हैं लेकिन कुछ एक की हम बात करेंगे। एक एडर फाइल है सी टाइप डॉट एच। तो सी टाइप डॉट एच है वो एक ऐसी एडर फाइल है जो फंक्शंस, प्रोटोटाइप फंक्शंस हैं उनको, उनकी डेफिनेशन रखती है। कौन से प्रोटोटाइप फंक्शंस? जो कुछ करेक्टर्स की करेक्टरिस्टिक्स को टेस्ट करता है, मतलब जैसे कोई करेक्टर है वो अल्फाबेट है या नहीं है, वो अपर केस है या लोअर केस है, वो अपर केस है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस है वो अपर केस में कन्वर्ट करना है। इस तरह कन्वर्जन के लिए जो यूजफुल फंक्शंस हैं वो कहाँ डिफाइंड होते हैं? वो लाइब्रेरी है सी टाइप डॉट एच। बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, साइन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, पावर है, हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है। इनकी डेफिनेशन जो एडर फाइल रखती है वो है मैथ लाइब्रेरी, उसको मैथ डॉट एच, एम ए टी एच डॉट
एच से रिप्रेजेंट करेंगे, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच आर, पुट्स, उनके लिए जो हेडर फाइल है उसको हम stdio.h कहते हैं। उसके लिए हमें हेडर फाइल जो इंक्लूड करनी पड़ती है वो stdio.h। इसके अलावा कुछ टेक्स्ट टू नंबर, मेमोरी एलोकेशन, टेक्स्ट टू टेक्स्ट कन्वर्जन, नंबर टू टेक्स्ट कन्वर्जन, या रैंडम नंबर, या यूटिलिटी फंक्शंस कई हैं, उनको उनकी डेफिनेशन के लिए एक लाइब्रेरी होती है, उसको हम कहते हैं stdlib.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। स्ट्रिंग डॉट एच कुछ स्ट्रिंग प्रोसेसिंग, जो करेक्टर्स का सेट है, एक स्ट्रिंग को दूसरी में ऐड करना है, एक स्ट्रिंग को कुछ लिमिटेड स्ट्रिंग को लेना है, हमें लिमिटेड उसके करेक्टर्स को लेना है, या स्ट्रिंग को दो को कुछ पार्शियली मैच करना है, दो स्ट्रिंग्स का आपस में टेस्ट करना है। इस तरह के जो फंक्शंस जिस लाइब्रेरी में इंक्लूडेड हैं वो लाइब्रेरी है स्ट्रिंग डॉट एच। कई बार हमें प्रोग्राम लिखते समय टाइम मैनिपुलेटिंग करनी होती है, हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम चाहते हैं आउटपुट के साथ टाइम प्रिंट हो, या हमें कहीं कुछ रैंडमाइजेशन करने के लिए इनपुट के रूप में टाइम की ज़रूरत होती है, इस तरह जहां भी टाइम एंड डेट की ज़रूरत होती है तो उसके लिए एक लाइब्रेरी है टाइम डॉट एच, जो अपने कंप्यूटर से टाइम लेती है, कंप्यूटर में जो टाइम है वो लेती है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन का। तो यूजर एक फंक्शन किस तरह से, यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी का, अब हमने कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज देखी, यूजर डिफाइंड लाइब्रेरीज का हमें दिया एग्जाम्पल लें, तो एक पहले प्रोग्राम देखा था उसी को थोड़ा कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें ऑपरेशन, एक ऑपरेशन लिया था, अब ये ऑपरेशन, उसमें ऑपरेशन जो लिया था वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, अब जो वही ऑपरेशन है वो रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर, उसमें जो प्रिंट कर रहा था इस बार वो रिटर्न कर रहा है। यदि इसमें करेक्टर इनपुट एडिशन है तो ये रिटर्न करेगा उन दोनों इन फर्स्ट पैरामीटर्स का एडिशन, यदि वो सब्ट्रैक्शन है तो उनका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन स्टार है तो मल्टीप्लीकेशन, और स्लैश है तो डिवाइड रिटर्न करेगा। रिटर्न मतलब इस फंक्शन को जहाँ भी कॉल किया जाएगा तो वहाँ पर ये फंक्शन वो वैल्यू दे देगा जो यहाँ से रिटर्न होगी, या जहाँ कॉल किया गया है वहाँ इसकी वैल्यू बी नाम के किसी इंटीजर को असाइन कर दी गई है, और उस बी को बाद में हम प्रिंट करके देख रहे हैं। अब यहाँ मेन महत्वपूर्ण ये है कि ये ऑपरेशन जो है, ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, यहाँ फंक्शन की पूरी बॉडी दी है, ये उस प्रोग्राम में नहीं है जिसमें हम ये मेन फंक्शन लिख रहे हैं या जहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं, ये एक cal.h नाम की फाइल के अंदर है और उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे stdio.h को इंक्लूड करते हैं तो वहां लिख दिया हैश इंक्लूड cal.h, cl.h। तो इस तरह से हम अपनी खुद की लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं, खुद की हेडर फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल हम करके देखते हैं। तो ये फंक्शन है, हम पहले cal.h को देख लेते हैं। ये cal.h है जिसमें हमने ऑपरेशन, उसके int ऑपरेशन और इनपुट पैरामीटर्स, बाद में if z इज इक्वल्स टू प्लस रिटर्न x प्लस वाई, if माइनस x माइनस वाई स्टार x स्टार रिटर्न x स्टार वाई, if it is less रिटर्न x less वाई। इसके बाद हम फंक्शन देखते हैं। तो इसमें हमने इंक्लूड cal.h, cal.h को डबल कोट्स में लिखा है, तो हमने cal.h को इंक्लूड किया है और बाद में ऑपरेशन जो फंक्शन उस cal.h में उसको कॉल कर रहे हैं और जो वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। कंपाइल एंड रन करके देखें तो कंपाइलेशन सिंपल होगा, रन करें, यहाँ जैसे हम कुछ इनपुट देते हैं 2 प्लस 5, आउटपुट आ रहा है 7, 5
फाइव माइनस टू इनपुट थ्री आउटपुट थ्री आ रहा है, फाइव स्टार सिक्स इनपुट थर्टी आ रहा है आउटपुट थर्टी आ रहा है एंड सिक्स अपॉन टू आउटपुट थ्री आ रहा है, लुक्स एवरीथिंग इज फाइन। पासिंग आर्ग्यूमेंट बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस, तो ये है कि हम जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट पासिंग बाय वैल्यू क्या है और पासिंग बाय रेफरेंस क्या है। तो व्हेन एन आर्ग्यूमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू ए कॉपी ऑफ वेरिएबल्स वैल्यू इज मेड एंड द कॉपी इज पास्ड टू द कॉल फंक्शन, चेंजेस टू द कॉपी इज द कॉल फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल वैल्यू। मतलब हम कभी किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो क्या करता है, इनपुट पैरामीटर्स जो हैं उनकी एक कॉपी बनाता है, वो कॉपी उस फंक्शन को दे देता है। अब वो फंक्शन उन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करता है तो हमने जहाँ कॉल किया वहाँ वाले वेरिएबल्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अपने वहाँ वो वैल्यू सेम रहेगी, फंक्शन अपने वेरिएबल्स का कुछ भी करे। अब तक हमने जो एग्जाम्पल्स देखे हैं वो कॉल बाई वैल्यू के ही देखे हैं। और अब आता है कॉल बाय रेफरेंस, हमने किसी वेरिएबल को कॉल किया तो वो उस वेरिएबल को कॉपी नहीं करेगा, उसका हम एड्रेस भेजेंगे तो वो क्या करेगा, उस एड्रेस पे वैल्यू चेंज करेगा। एड्रेस पे वैल्यू चेंज होने का मतलब है कि अपने मेन फंक्शन में भी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जहाँ जिस फंक्शन से हमने कॉल किया वहाँ भी उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो हम अब एग्जाम्पल देखें, तो पिछला एग्जाम्पल फिर से देखें तो उसमें है व्हेन एन आर्ग्यूमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू, यहाँ पर हमने एक आर्ग्यूमेंट को वैल्यू से भेजा, जैसे ये ऑपरेशन है उसको उसमें ए वन ए टू और सी ये इनपुट के रूप में भेजे हैं। यदि उस फंक्शन में हम एक्स वाई जेड के रूप में जो इनपुट ले रहे हैं उनकी वैल्यू चेंज कर देते हैं क्योंकि ये इनकी कॉपी बनाई गई है, तो यहाँ पर अपने ए वन ए टू और सी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह के जो भी कॉल हैं, जो फंक्शन कॉल है उनको हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं, और जो कॉल बाय रेफरेंस है वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। रैंडम नंबर जनरेशन, रैंडम नंबर क्या होता है, उसको सी प्रोग्रामिंग में कैसे जनरेट करते हैं। यहाँ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको हम वन बाई वन देख लेते हैं। तो पहले है रैंडम नंबर जनरेशन, रैंडम नंबर क्या होता है, तो वो नंबर जिसका हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, मतलब एक अपना जो भी नंबर्स लिखा जा रहा है वो पहले हमने कुछ नंबर्स लिख दिए उन पे डिपेंडेंट आगे वाला नंबर नहीं होता, उसको हम रैंडम नंबर कहते हैं। किसी भी मशीन में रियल में रैंडम नंबर जनरेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इस तरह से रैंडम नंबर जनरेट करते हैं कि हमें प्रोसेस नहीं पता होती तो हमारे लिए वो रैंडम होते हैं। तो यहाँ पर एक पहला एग्जांपल लिया है जिसमें यहाँ रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो हमको इंक्लूड करनी होगी, वह stdlib.h। अब रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जैसे हमने दो इंटीजर लिए आई और जे, डिक्लेयर किया, आई काउंटर है तो काउंटिंग के लिए हम 10 रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं, जे इज इक्वल्स टू हमने लिखा रेंड और पैरेंथेसिस, तो जे इक्वल टू रेंड और पैरेंथेसिस लिख दिया, तो ये रेंड नाम की किसी फंक्शन को कॉल करेगा, कॉल कर रहा है, ये रेंड फंक्शन है, ये stdlib.h के अंदर डिफाइंड है। stdlib.h के अंदर रेंड फंक्शन की कोई वैल्यू ये फंक्शन देगा, वो वैल्यू जे को असाइन हो जाएगी, हम जे को प्रिंट कर रहे हैं। इस तरह से 10 नंबर प्रिंट करेंगे जो रेंड फंक्शन से हमें मिलेंगे, और उसके बाद में इस तरह से यहाँ रेंड फंक्शन से हम ये भी समझ सकते हैं ये ऐसा फंक्शन है जिसकी इनपुट में कोई पैरामीटर नहीं है लेकिन ये रिटर्न करेगा वो इंटीजर होगा, इंटीजर नंबर ये रिटर्न करता है। लास्ट में हमने एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा है जो रेंड अंडरस्कोर मैक्स को प्रिंट करेगा। अब रेंड अंडरस्कोर मैक्स क्या है,
ये भी हमने यहाँ डिक्लेयर नहीं किया, ये भी stdlib.h के अंदर डिफाइंड एक करेक्टर सेट है और इसकी वैल्यू अपना कंप्यूटर उस डाटा टाइप में कितने इंटीजर का कितने बिट काम में ले रहा है उससे डिसाइड होती है। जैसे इंटीजर में हमारे यहाँ 32 बिट काम में ली जा रही हैं तो रेंडमैक्स की वैल्यू 2^31 2^31 कैलकुलेट करेंगे, 2^31 कैलकुलेट करेंगे, उसमें से एक घटा देंगे, वो रेंडमैक्स की वैल्यू होगी। हम ये एग्जांपल कंपाइल रन करके देख लेते हैं। ये वही फंक्शन है जिसमें एक कमेंट है रैंडम नंबर जनरेशन, stdio.h को इंक्लूड किया, stdlib.h को इंक्लूड किया, i और j को डिक्लेयर किया, i पे लूप लगाया, क्योंकि काउंटर है, j इक्वल टू रेंड लिखा, j को प्रिंट किया और लास्ट में रेंड अंडरस्कोर मैक्स को प्रिंट कर दिया। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, अब रन करते हैं। तो यहां पर रन करने पर हम देख रहे हैं 10 इंटीजर्स जो एकदम रैंडम लग रहे हैं वो प्रिंट हुए हैं और उसके बाद में एक नंबर प्रिंट हुआ है जो इन 10ों से बड़ा है, 10 में से कोई भी इससे बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर जो फंक्शन रेंड है वो एक रैंडम नंबर जनरेट करता है और वो नंबर 0 से ये रेंड मैक्स जो नंबर है उनके बीच का कोई भी नंबर जनरेट कर देता है, कर सकता है। ये सी में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिफाइंड होता है और ये रेंड मैक्स है, ये इसकी वैल्यू 32767 होती है। यदि मशीन अपनी 32 बिट है मतलब इंटीजर के रूप में यदि 16 बिट काम में ले रहा है तो ये नंबर होगा, और इंटीजर के रूप में यदि 32 बिट्स काम में ले रहा है मतलब 64 बिट मशीन में इसकी वैल्यू होगी 21474836647। हम एक खुद यूजर डिफाइंड फंक्शन देखें या हम पिछला एग्जांपल देखें उसमें फिर से हम रैंडम नंबर जनरेट करें तो वो सेम रैंडम नंबर जनरेट करेगा, मतलब जो नंबर्स उसने पहली बार रन करने पर दिए वही दोबारा रन करने पर देगा। यदि ऐसा कर रहा है जैसे हम देख लेते हैं एग्जांपल में, रन करते हैं ये वैल्यूज दी, फिर से रन करता हूँ कोई चेंज नहीं है। मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ, तीसरी बार रन करके देख रहा हूँ वो वैल्यूज हर बार वही वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, रन किया ये वैल्यूज आई, दोबारा रन किया वही वैल्यूज दोबारा रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यूज रैंडमाइज नहीं है, और यदि ये रैंडमाइज नहीं है तो क्या किया जाए, तो यहाँ पर रैंडमाइज नहीं होने का मतलब है कि यहाँ पर प्रोग्राम जो है सी प्रोग्रामिंग जो है उसमें एक फिक्स्ड फॉर्मूले से इन वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है और अपना जो फिक्स्ड फॉर्मूला है वो इतना अच्छा नहीं हो रहा है कि वो फॉर्मूला हमें रैंडम नंबर हर बार अलग अलग दे, क्योंकि उसमें एक इनपुट नंबर होता है जो ये अपने हिसाब से लेता है और उससे फिर उन नंबर्स को आगे वाले नंबर्स को जनरेट करता है। यदि हम इनपुट नंबर को चेंज कर दें तो हमें चेंज नंबर मिलेंगे, चेंज करने का तरीका वो इस प्रोग्राम में दिया गया है। तो हम यहाँ एक इनपुट रीड करेंगे, एक इंटीजर रीड करेंगे और उसको सीड नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे और फिर एक एस रेंड नाम का नया फंक्शन है, एस रेंड नाम का नया फंक्शन है उसको वो सीड इनपुट के रूप में देंगे, इनपुट आर्ग्यूमेंट के रूप में। एस रेंड एक ऐसा फंक्शन है जो रिटर्न कुछ नहीं करता, इनपुट में एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट लेता है, बाकी प्रोग्राम्स अपना वैसा का वैसा है। तो यहाँ पर stdlib.h में डिफाइंड एक प्रोटोटाइप फंक्शन है जो अपने नंबर हैं उनको रेंडमाइज करता है, ये सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का फंक्शन है। जब हम srand फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो
नॉर्मली तब करते हैं जब अपना प्रोग्राम डीबग हो चुका है। डीबग का मतलब प्रोग्राम में कई बार ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें एरर गलत रिजल्ट दे रही हैं, या कुछ ऐसा जनरेट कर रही हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, कंपाइलर उनको नहीं समझ पा रहा है, कंपाइलर कंपाइल कर रहा है विदाउट एनी एरर, लेकिन आगे प्रोग्राम में ऐसी गलतियां रह गई हैं जो अपने रिजल्ट्स को कैलकुलेशन में गलती कर रही हैं, या कुछ इस तरह की गलती कर रही हैं जो हमें खुद को देखनी पड़ रही है, तो उसको हम कहते हैं डीबगिंग। तो प्रोग्राम को डीबग करने के लिए हम एस रेंड फंक्शन का यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम बिना एस रेंड फंक्शन के प्रोग्राम को चेक करेंगे। यदि वो सेम रैंडम नंबर दे रहा है, इसका मतलब हम कुछ टेस्ट उसमें कर सकते हैं। तो एस रेंड फंक्शन को प्रोग्राम को पूरा डीबग करने के बाद में यूज करना चाहिए, जिससे हमें उस न, उन नंबर्स की रिपीटेबल, वो नंबर रिपीट हो रहे हैं जो अपने हमने पीछे पहले एग्जांपल में देखे हैं, उसको हम टेस्ट कर सकें, और उसके बाद में हम एस रेंड फंक्शन को इंसर्ट करके प्रॉपर रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकें। एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। तो ये है रैंडम नंबर जनरेशन। तो इसमें stdio.h को इंक्लूड किया, stdlib.h को इंक्लूड किया, i, j और seed को डिक्लेयर किया, seed को रीड किया, एस रेंड फंक्शन में seed को इंसर्ट किया, और बाद में रैंडम नंबर्स को प्रिंट कर दिया। प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखें। कंपाइल सक्सेसफुली हो रहा है। रन करें, यहाँ इनपुट में जैसे हमने 10 दे दिया तो ये रैंडम नंबर्स कुछ आए हैं। स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फिर से रन किया, अब मैं नंबर 20 दे देता हूँ इनपुट में, तो रैंडम नंबर्स चेंज हो गए हैं। पिछले वाले ये नंबर्स थे, अब ये चेंज आए हैं। हाँ, यदि मैं इनपुट वेरिएबल सेम दूंगा तो सेम ही आउटपुट में नंबर्स आएंगे। सेम 20 फिर से दिया तो वही आउटपुट में नंबर आ गए। तो अब वही नंबर हमें आउटपुट में फिर से ना मिले, अपने आप हर बार रेंडमाइज हो जाएं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक time.h नाम की हेडर फाइल और इंक्लूड करेंगे, और इनपुट जो है एस रेंड का वो टाइम दे देंगे। टाइम नल, टाइम एक फंक्शन है जो time.h में डिफाइंड है, और नल उसमें एक पॉइंटर दिया है, जिससे अब टाइम जो है वो प्रेजेंट कंप्यूटर टाइम है, सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स, उससे एक रैंडम एक नंबर बना लेगा, और वो नंबर इनपुट में दे देगा, जो हर सेकंड में वो नंबर चेंज हो जाएगा। यदि हम एक ही सेकंड में दो बार रन करेंगे तो हमें सेम आउटपुट वो रैंडम नंबर्स मिलेंगे, लेकिन जो ही कंप्यूटर के टाइम में सेकंड चेंज होती है, या रैंडम नंबर्स के लिए इनपुट चेंज हो जाएगा, इनपुट चेंज होती है वो रैंडम नंबर्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ हमने ए और बी दो इनपुट लिए हैं, दोनों इंटीजर हैं, वो इसलिए लिए हैं, ये ए और बी दो इस तरह के वेरिएबल लिए हैं, कई बार हमें रैंडम नंबर कंप्यूटर वाली लिमिट में नहीं है, हमारी लिमिट में चाहिए। जैसे हमें एक नंबर है 5, वहाँ से स्टार्ट होके 10 तक के रैंडम नंबर चाहिए, जहाँ 5 शामिल नहीं है, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 ही रैंडम नंबर के रूप में आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक अपना मिनिमम डिसाइड करेंगे कि मिनिमम छोटे से छोटा रैंडम नंबर क्या है, तो वो है जैसे हमने 6, 7, 8, 9, 10 किया तो 6 है, और कितने रैंडम नंबर चाहिए तो 5 चाहिए, तो शिफ्टिंग वैल्यू हो गई 6 और स्केलिंग फैक्टर हो गया 5, और उस तरह से हम जो रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं वो जनरेट करके उसका शिफ्टिंग स्केलिंग फैक्टर के साथ रिमाइंडर लेंगे और शिफ्टिंग वैल्यू में ऐड कर देंगे। इस तरह से हमें एक अपनी रिक्वायर्ड लिमिट में रैंडम नंबर मिल जाएगा। चेक करके देख लेते हैं। ये प्रोग्राम है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये प्रोग्राम है, इसमें हमने time.h को इंक्लूड किया है, और बाद में inab को इंटीजर डिक्लेयर किया है, एक को शिफ्टिंग वैल्यू को रीड किया, स्केलिंग फैक्टर को रीड किया, एस रेंड फंक्शन को कॉल किया, और उसके बाद में
एन इक्वल टू ए प्लस रेंड परसेंटेज बी। रेंड परसेंटेज बी क्या करेगा, रेंड जो रेंडम नंबर आ रहा है उसमें बी का भाग देकर जो रिमाइंडर बचेगा शेष प्लाएगा वो बना देगा और उसको ए में ऐड कर देंगे और फिर एन को प्रिंट कर देंगे। चेक करके देखते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। रन करें तो रन में हम जैसे इनपुट देते हैं शिफ्टिंग वैल्यू 6 और स्केलिंग फैक्टर 5, तो हमें कुछ नंबर्स मिले हैं 8, 7, 6, 8, 10, 9, 7, 8, 7, 10, सारे नंबर्स 6 to 10 हैं। हम कुछ फिर से वही नंबर देते हैं 6 and 5। इस बार नंबर्स चेंज हो गए, 9, 7, 8, 10, 10, 8, 10, 8, 8, ये रैंडम नंबर चेंज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इनपुट में टाइम का पैरामीटर चेंज हो गया था तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गए हैं। यहाँ हम कुछ और नंबर देख के देखें, जैसे 0 and 100, तो हमें 0 से 100 के बीच के रैंडम नंबर्स मिलेंगे। 0 शिफ्टिंग फैक्टर है, 100 स्केलिंग फैक्टर है, मतलब उसके अकॉर्डिंग हमें रैंडम नंबर्स मिलेंगे। तो इस तरह से हम देखें तो जो वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है वो रेंड नंबर को स्केल और शिफ्ट की से प्रोड्यूस हो रही है, तो हम जो रेंज चाहते हैं, स्पेसिफिक रेंज हम चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें रेंडम नंबर मिल जाते हैं। और यहाँ रेंडमाइज जो हो रहा है वो बिना किसी इनपुट सीड के हो रहा है, हमें इनपुट में कुछ नहीं चाहिए, ये टाइम से ऑटोमेटिकली सीड ले रहा है। तो जो जनरल इक्वेशन होती है स्केलिंग एंड शिफ्टिंग के लिए रेंडम नंबर्स को, वो ये है एन इक्वल टू ए प्लस रेंड परसेंटेज बी। यहाँ ए शिफ्टिंग वैल्यू है, पहला नंबर जो अपनी रेंज में हम, जो इंटीजर्स की रेंज में हम जनरेट करना चाहते हैं, और बी स्केलिंग फैक्टर है, मतलब वो विड्थ नंबर्स की वो चौड़ाई जिसमें हम नंबर्स जनरेट करना चाहते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो अब हम पहले ये कमेंट है ये देखते हैं। तो कमेंट ये है, शिफ्टिंग स्केल्ड रेंडम नंबर रेंडम इंटीजर्स प्रोड्यूस्ड बाय 1 plus rand percentage 6। 1 plus rand percentage 6 से कौन से रेंडम नंबर जनरेट होते हैं वो प्रिंट करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया, 1 से 20 तक एक लूप लगाया और उसमें लिख दिया परसेंटेज 10d, मतलब 10 डिजिट में इंटीजर प्रिंट होना, और कौन सा प्रिंट होना है, 1 plus rand percentage 6, और हर पांचवा नंबर प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन प्रिंट हो जाए। तो हम 1 plus rand percentage 6 से जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं वो प्रिंट करना चाह रहे हैं, मतलब इनमें स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और विड्थ 6 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से रैंडम नंबर आना चाहिए। हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन, तो ये नंबर आए हैं 2, 5, 4, 2, 6, 2, 5, 1, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 6, 5, 1, 1, 5, 5, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से रैंडम नंबर जनरेट हुए हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा हो गया। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो पिछला एग्जांपल हमने लिया उसी तरह से 1 plus rand percentage 6 जनरेट कर रहे हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 जनरेट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3, फ्रीक्वेंसी 4, फ्रीक्वेंसी 5, फ्रीक्वेंसी 6, और उन सबको इनिशियलाइज कर दिया है 0 से, मतलब उनकी इनिशियल वैल्यू 0 हो गई है। फिर हमने फेस और रोल नाम से 2 इंटीजर्स डिक्लेयर किए हैं। रोल मतलब हम उनको कितनी बार, एक डाई लिया उसको रोल कर रहे हैं, मतलब एक हमने क्यूब लिया है, एक घन लिया है जिसके 6 फलक हैं, हर फलक पे कोई नंबर लिखा है और वो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई एक है। उस क्यूब को, उस वर्ग को हम उछाल, उस घन को हम उछालते हैं तो रेंडमली कोई भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से हमें देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा, उसी तरह का हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जो हमें वही काम करके दे। और हम कितनी बार रोल कर रहे हैं, तो हम 6 मिलियन मतलब 60 लाख बार इसको रोल कर रहे हैं।
तो हर नंबर लगभग 10 लाख बार आना चाहिए, 1 मिलियन टाइम्स आना चाहिए। रियल लाइफ में इतना रोल करना आसान नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में हम ये कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक लूप रोल है वो एक काउंटर वेरिएबल है जिसपे हम लूप लगा रहे हैं, जो लूप 6 मिलियन टाइम्स मतलब 60 लाख बार चलेगा। हर बार एक वो रैंडम नंबर 1 2 6 1 2 3 4 5 6 में से जनरेट करेगा और वो वैल्यू फेस को असाइन कर देगा। फिर हम एक स्विच केस फंक्शन काम में ले रहे हैं जिसमें फेस जो वैल्यू वो जो 1 से 6 कोई वैल्यू इनपुट आई है उसको स्विच के इनपुट के रूप में देते हैं। वो वैल्यू यदि 1 है तो फ्रीक्वेंसी 1 में एक ऐड कर लेते हैं, वो वैल्यू 2 है तो फ्रीक्वेंसी 2 में ऐड कर लेते हैं, 3 है तो फ्रीक्वेंसी 3 में, 4 है तो फ्रीक्वेंसी 4 में, 5 है तो फ्रीक्वेंसी 5 में और 6 है तो फ्रीक्वेंसी 6 में एक ऐड कर लेते हैं। मतलब वो नंबर कितनी बार जनरेट हुआ है, फ्रीक्वेंसी उतनी बार इंक्रीज हो गई है। वो एक यदि एक 10 लाख बार आया तो फ्रीक्वेंसी 1 की वैल्यू 10 लाख हो जाएगी, एक यदि 5 यदि 10 लाख बार आया है तो फ्रीक्वेंसी 5 की वैल्यू 10 लाख हो जाएगी। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3, फ्रीक्वेंसी 4, फ्रीक्वेंसी 5 एंड फ्रीक्वेंसी 6 को प्रिंट कर रहे हैं। हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है, रन किया तो ये रन भी हो गया है। जूम करके देखते हैं, हाँ तो यहाँ पर लगभग 1 है वो 10,346 बार आया, 2 10,334, 3 10,819, 4 है वो 999,144, 5 999,912 और 6 999,449। ये इनकी फ्रीक्वेंसी रही है। राइट स्टेटमेंट्स दैट असाइन रैंडम नंबर इंटीजर्स रैंडम इंटीजर्स टू द वेरिएबल n इन द फॉलोइंग रेंजेस। नीचे रेंज दी गई है n के लिए और उन रेंजेस में हमें रैंडम नंबर जनरेट करने हैं और इंटीजर्स जनरेट करने हैं। तो पहली रेंज है 1 < n < 2, मतलब इनिशियल नंबर 1 होना चाहिए और इसकी विड्थ 2 है। दूसरा है 1 < n = 100, इनिशियल नंबर 1 है एंड शिफ्टिंग पैरामीटर 1 है एंड विड्थ 100 है। नेक्स्ट है 0 < n > 9, यहाँ शिफ्टिंग पैरामीटर 0 है और जो विड्थ है वो 10 है क्योंकि 0 और 9 दोनों इंक्लूड हैं, इसका मतलब 10 है। नेक्स्ट है इनिशियल नंबर 1000 है और शिफ्टिंग पैरामीटर 1112 फाइनल नंबर है, मतलब शिफ्टिंग पैरामीटर 113 हो गया। उससे नेक्स्ट है -1 > n > 1, यहाँ पर माइनस वन और वन तो शिफ्टिंग पैरामीटर माइनस वन है और विड्थ है वो 3 है। नेक्स्ट है -3 > n > 11, तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू या शिफ्टिंग पैरामीटर माइनस थ्री है, मतलब यहाँ माइनस थ्री से स्टार्ट करना है और टोटल नंबर 15 है क्योंकि -3 -2 -1 0 और 11 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो टोटल 15 नंबर इसकी विड्थ है 15। अब तो हम इनके आंसर्स देखते हैं। तो ठीक इसी तरह से पहले में n = 1 + rand % 2, 1 इसका शिफ्टिंग पैरामीटर है, 2 इसकी विड्थ है। दूसरे में 1 शिफ्टिंग पैरामीटर है एंड रेड इसकी विड्थ है। तीसरे में 0 शिफ्टिंग पैरामीटर है तो 0 ऐड ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 विड्थ है। चौथे में 100 इसका शिफ्टिंग पैरामीटर है और 113 इसकी विड्थ है। पांचवे में -1 शिफ्टिंग पैरामीटर, 3 इसकी विड्थ। छठे में या लास्ट में -3 शिफ्टिंग पैरामीटर और 15 विड्थ है। इसलिए जो यहाँ दिखाया गया उस तरह से यहाँ पर इनको लिखेंगे। राइट सिंगल स्टेटमेंट दैट विल प्रिंट ए नंबर एट रैंडम फ्रॉम द सेट। ये एक सेट दिए गए हैं, इनमें से कोई रैंडम नंबर, इनमें से रैंडम नंबर्स प्रिंट करे, ऐसा एक स्टेटमेंट लिखना है। तो पहला 2, 4, 6, 8, 10, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5
रैंडम नंबर जनरेट करें और उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2, 4, 6, 8, 10 हो जाएगा, 3, 5, 7, 9, 11। इसमें हम 1, 2, 3, 4, 5 रैंडम नंबर जनरेट करें और 1 उनको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 से शिफ्ट कर दें। नेक्स्ट है 6, 10, 14, 18, 22। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5 शिफ्टिंग पैरामीटर्स रैंडम नंबर जनरेट करें, उनको 4 से मल्टीप्लाई करें एंड 2 ऐड कर दें। तो देखते हैं, पहले में हम 2, 4, 6, 8, 10 को 2 times 1, 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं, तो नंबर जो जनरेट करेंगे वो 2*1+rand%5 rand%5 इसकी विड्थ 5 है, शिफ्टिंग पैरामीटर 1 है और बाद में जो नंबर जनरेट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है 3, 5, 7, 9, 11, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 times 1, 2, 3, 4, 5+1, तो ऊपर वाले में प्लस 1 ऐड कर देंगे जिसको हम 3+rand%5*2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो इसको हम इसी तरह से 6+rand%4, 5*4 लिख सकते हैं। स्टोरेज क्लासेस, स्टोरेज क्लासेस क्या होते हैं? ईच आइडेंट, यहां पर 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ईच आइडेंटिफायर इन ए प्रोग्राम हैज द एट्रीब्यूट्स स्टोरेज क्लास, स्टोरेज ड्यूरेशन, स्कोप एंड लिंकेज। तो जो भी आइडेंटिफायर है, वो कोई भी आइडेंटिफायर है, कोई वेरिएबल नेम है या कोई वेरिएबल है, वो किस तरह के स्टोरेज, मतलब किस तरह से उसको हम समझें, तो वो कोई स्टोरेज क्लास का वेरिएबल हो सकता है, उसका एक ड्यूरेशन हो सकता है जिस टाइम तक वो वैलिड रहे, उसका कुछ स्कोप हो सकता है कि ये इस फंक्शन में वैलिड है या इस पोर्शन में वैलिड है या इस स्कोप, मतलब ये कि यहाँ इसको डिक्लेयर किया और यहाँ से यहाँ तक ऐसे हम कहीं भी प्रोग्राम में बता सकें वहाँ तक वैलिड है। एंड लिंकेज, मतलब ये कहाँ पर कहाँ कहाँ ये वैलिड है उसके लिए है स्कोप लिंकेज। तो एक कोई भी आइडेंटिफायर है वो 4 तरह के एट्रीब्यूट रख सकता है, जो है स्टोरेज क्लास, स्टोरेज ड्यूरेशन, स्कोप एंड लिंकेज। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए सी प्रोवाइड्स 4 स्टोरेज क्लासेज इंडिकेटेड बाय द स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स ऑटो, रजिस्टर, एक्सटर्न एंड स्टैटिक। तो यहाँ पर इसके लिए भी हम देखें तो सी प्रोग्रामिंग है वो 4 तरह के स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर हमें देती है। ऑटो, मोस्टली ऑटो हम किसी भी वेरिएबल को ऑटो मान सकते हैं। रजिस्टर, रजिस्टर है ये अब पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, ये प्रेजेंटली काम में नहीं लेते। एक्सटर्न जो ग्लोबल वेरिएबल है उसके लिए जो काम में लेते हैं स्टोरेज क्लास, उसको हम एक्सटर्न भी लिख देते हैं कई बार, या एक्सटर्न कह देते हैं। और स्टैटिक, जो हम स्टैटिक वेरिएबल्स लेते हैं, स्कोप रूल में हम इनको पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं इनको ऑलरेडी, स्कोप रूल्स, जहां वीडियो पीछे देख लें। एंड आइडेंटिफायर स्टोरेज ड्यूरेशन इज व्हेन द आइडेंटिफायर एग्जिस्ट इन द मेमोरी। अब ये है कि कोई आइडेंटिफायर है उसका ड्यूरेशन क्या होता है। तो आइडेंटिफायर मतलब एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हम मेमोरी डिस्क पे लिखते हैं, तो वो वैल्यू उस मेमोरी डिस्क पे कब तक स्टोर रहेगी उसको कहते हैं स्टोरेज ड्यूरेशन। तो कोई भी वेरिएबल जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट होकर वो प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में स्टोरेज ड्यूरेशन नहीं रहता है, वो मेमोरी से वेरिएबल डिलीट हो जाता है। तो ये मैक्सिमम स्टोरेज ड्यूरेशन है। कुछ उससे हम फाइल में लिख दें, कुछ आउटपुट में लिख दें, वो एक अलग बात है, लेकिन जो लोकल प्रोग्राम में वेरिएबल है उसका ड्यूरेशन सिर्फ उतना ही रहता है जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, मैक्सिमम हुआ है। अब कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनका सिर्फ बहुत, उसमें भी बहुत छोटे टाइम के लिए स्टोरेज होता है। कुछ वेरिएबल होते हैं जैसे किसी फंक्शन को हमने कॉल किया तो फंक्शन में जो लोकल वेरिएबल है वो जब तक फंक्शन रन हो रहा है तब तक है, जब फंक्शन को हम दोबारा कॉल करते हैं तो वो वैल्यू को ओवरराइट कर लेता है। तो वो टाइम जब तक कि वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है मेमोरी में, उसकी वैल्यू चेंज हम करें वो अलग बात है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए या प्रोग्राम उसकी वैल्यू को भूल जाए, उसको हम कहते हैं ड्यूरेशन
कि इतने टाइम के लिए ये प्रोग्राम, ये वेरिएबल प्रोग्राम में काम कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्टोरेज ड्यूरेशन। थोड़ा सा और एक्सप्लेन इसको देखें हम कंप्यूटर के हिसाब से, तो स्टोरेज स्पेसिफायर है ऑटो, तो इसका स्टोरेज प्लेस है सीपीयू मेमोरी। यहां पर इनिशियल वैल्यू क्या होती है, तो हम ऑटो में, ऑटो मतलब जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो सारे ऑटो में आते हैं, तो उनको इनिशियल वैल्यू, यदि हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं सीधा प्रिंट करें तो कोई भी गार्बेज वैल्यू उनकी इनिशियल वैल्यू होती है, मतलब कोई भी नम वैल्यू आ सकती है। अपना कंप्यूटर नया है तो हमें मोस्टली जीरो मिलेगा, लेकिन कंप्यूटर पुराना बहुत लोगों ने काम में ले लिया तो वहाँ हमें कोई भी गार्बेज वैल्यू, उसकी कोई भी रैंडम वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि मेमोरी में कौन सी लोकेशन पे लोकेशन इस वेरिएबल को मिली है वहाँ पर वो वैल्यू जो है वही मिल जाएगी। ये कुछ इस तरह से है जैसे हमें एक पुराना घर मिला है, अब घर नया है हो सकता है साफ सुथरा हो लेकिन पुराना है तो उसमें कितना भी कचरा और सफाई, हम कचरा हो सकता है, हमें सफाई करनी पड़ सकती है, तो वो है गार्बेज। इसी तरह से कंप्यूटर में मेमोरी लोकेशन, सीपीयू की मेमोरी में कोई वेरिएबल को लोकेशन मिली है, घर मिला है कि यहाँ पर ये स्टोर होगा, और इस तरह से वो वेरिएबल है उसको जो वैल्यू मिली है तो उस लोकेशन पे बाइट्स की क्या पोजीशन है, 0 1 1 0 जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो नंबर बना लेगा, तो वो कोई भी गार्बेज वैल्यू आ सकती है, कोई भी नंबर आ सकता है। इसका स्कोप क्या है, लोकल जहाँ इसको डिक्लेयर किया जाता है उसी स्कोप में ये रन होता है, मतलब जहाँ इसको डिक्लेयर किया है उससे जस्ट पहले कौन सा कर्ली ब्रेसेज है और उसके जस्ट बाद में कौन सा कर्ली ब्रेसेज है, ये इसकी लिमिट होती है, उसी में ये लोकल काम करता है, उसके बाहर इसका कोई मीनिंग नहीं है। लाइफ विद इन द फंक्शन ओनली, तो जिस फंक्शन में इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया और यूज किया जा रहा है सिर्फ उसी में इसकी लाइफ होती है, उसके बाहर उस वेरिएबल को कोई नहीं पहचानता, सिर्फ उस फंक्शन में। एक ही प्रोग्राम में कई फंक्शंस हो सकते हैं, उदाहरण के लिए मेन फंक्शन जो कि डिफॉल्ट है, एक्सटर्न है, ये भी सीपीयू की मेमोरी में स्टोर होता है, इसको इनिशियल वैल्यू जीरो होती है, इसको हम इनिशियल वैल्यू नहीं देंगे तो इसकी इनिशियल वैल्यू जीरो होगी, और इसका स्कोप है ग्लोबल, ग्लोबल मतलब प्रोग्राम जब तक रन हो रहा है तब तक ये वेरिएबल रहेगा, हर जगह रहेगा, और लाइफ टिल द एंड ऑफ मेन प्रोग्राम, वेरिएबल डेफिनेशन माइट बी एनीवेयर इन दिस ई प्रोग्राम। तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसकी जो लाइफ है वो जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब तक ये रहेगा, ये ग्लोबल वेरिएबल है, और इसको कहीं भी चाहे प्रोग्राम सी प्रोग्राम में कहीं भी डिफाइन किया हो, कहीं भी इसको वैल्यू असाइन किया हो, लेकिन इसकी लाइफ पूरे प्रोग्राम में रहेगी जब तक प्रोग्राम रन हो रहा है। स्टेटिक है, ये भी सीपीयू मेमोरी में स्टोर होता है, इसकी इनिशियल वैल्यू जीरो होती है, और स्कोप इसका लोकल होता है, इसका लोकल स्कोप होने का मतलब है जो ऑटो का स्कोप लोकल है और इसका स्टेटिक का स्कोप लोकल है, इसमें एक डिफरेंस है। यहां पर मेमोरी लोकेशन है उसमें एक बार वैल्यू स्टोर हो गई है तो ये इसको बार बार डिक्लेयर नहीं करता है, दोबारा कॉल आएगा तो ये पुरानी वैल्यू लेगा, तो इस हिसाब से इसका स्कोप है वो ऑटो से थोड़ा सा अलग हो जाता है, मतलब स्कोप लोकल रहा लेकिन लाइफ इसकी थोड़ी अलग हो जाती है, और वो है रिटेन्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। मतलब एक किसी फंक्शन में कोई स्टेटिक वेरिएबल है, अब उस फंक्शन को जितनी बार कॉल किया जाएगा वो वैल्यू रिटेन रखेगा, यदि फंक्शन को कॉल नहीं किया गया तो इसका लाइफ खत्म है, लेकिन फंक्शन को फिर दोबारा कॉल किया जाता है तो ये फिर वैल्यू रिटेन रखेगा, लेकिन ऑटो में ऐसा नहीं है, ऑटो वेरिएबल जो है जो डिफाइंड होते हैं उनमें वो वैल्यू ये रिटेन नहीं रखता है। रजिस्टर स्टोरेज क्लास है रजिस्टर मेमोरी, यहाँ ये सीपीयू मेमोरी नहीं है, रजिस्टर मेमोरी है, और इसमें इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है, इसकी स्कोप इसका लोकल है और ये सिर्फ फंक्शन में ही काम करता है। अब है स्कोप रूल्स, स्कोप रूल्स क्या है, तो यहां पर ये कुछ पॉइंट्स हैं, हमने अभी भी एक्सटर्न कुछ देखे पिछले वीडियो में, तो हम अब स्कोप रूल्स देखते हैं, तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
तो पहला एग्जाम्पल, थोड़ा सा जूम कर दिया है, थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं, नहीं ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर स्कोप रूल्स में पहला एग्जाम्पल, मैन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल एक्स डिक्लेयर किया है, ये लोकल है, ये ऑटो वेरिएबल है, इंट से पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये ऑटो वेरिएबल है। यहाँ प्रिंट लोकल एक्स इन आउटर स्कोप ऑफ मैन इज परसेंटेज डी, यहाँ एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो भी वैल्यू है 5 वो प्रिंट हो जाएगी। फिर कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर फिर से इंट एक्स लिखा है, जो पहले इंट एक्स लिखा था उसी तरह से फिर से इंट एक्स लिखा है, और यहाँ वैल्यू उसको 7 दी है। फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ एक्स की वैल्यू 7 प्रिंट होगी, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस ऑफ, और उसके बाद में फिर प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा और एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अब ये दो जगह एक्स को डिक्लेयर किया है, यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों जगह ही एक्स है, वो लोकल वेरिएबल है और इसका स्कोप ऑटो है, ऑटो वेरिएबल है ये, तो इसका स्कोप है वो लोकल है, मतलब इससे पहले जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुए हैं वहाँ से स्टार्ट हुआ है, और कर्ली ब्रेसेस का एंड होते ही ये एंड हो गया। जैसे ये अंदर वाला एक्स इक्वल टू 7 वाला, इससे पहले ये कर्ली ब्रेसेस है, तो यहाँ के बाद में ये वेरिएबल स्टार्ट हुआ है, और जो आगे वाला कर्ली ब्रेसेस आएगा इसका एंड हो जाएगा। मतलब अंदर वाले प्रिंट टाइप स्टेटमेंट में एक्स की वैल्यू 7 प्रिंट होगी, लेकिन बाहर वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसके, ये इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाले एक्स को नहीं जानता, लेकिन ऊपर वाला जो एक्स है उसको ये जानता है, इसलिए बाहर वाले की जगह वैल्यू 5 प्रिंट होगी। हम इसको कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं, तो gcc-o example 18.c कंपाइल सक्सेसफुली हो गया रन। तो हम देखते हैं पहले एक्स की वैल्यू 5 प्रिंट कर रहा है, फिर 7 कर रहा है, फिर 5 कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहां पर हमने एक वेरिएबल एक्स इक्वल टू 5 लिया है, बाद में उसको प्रिंट किया है, एक यूज लोकल फंक्शन को कॉल किया है, उसी फंक्शन को दोबारा कॉल किया है, फिर एक्स की वैल्यू प्रिंट किया है। यूज लोकल फंक्शन में क्या है, तो उसमें एक एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर रहे हैं, फिर से प्रिंट कर रहे हैं। तो अब होगा क्या, पहले एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा मेन फंक्शन में, उसके बाद में यूज लोकल फंक्शन को कॉल हुआ तो उसके अंदर जाएगा, एक्स की वैल्यू 25 है, यहाँ एक्स ऑटो वेरिएबल है, मतलब ये वैल्यू लोकल है, और उस वैल्यू को ये प्रिंट करेगा, एक्स की वैल्यू 25 प्रिंट करेगा, फिर एक्स की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करेगा, फिर एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, मतलब यहाँ पर 26 प्रिंट करेगा। फिर मैन फंक्शन में जाएगा, मैन फिर से यूज लोकल को कॉल कर रहा है, यूज लोकल में फिर से एक्स को डिक्लेयर करेगा, वैल्यू 25 असाइन करेगा, उसको प्रिंट करेगा, उस वैल्यू को एक्स की वैल्यू का मैं 1 इंक्रीज करेगा, वो 26 हो जाएगी, उसको फिर से प्रिंट कर देगा। फिर मैन फंक्शन में जाएगा जहाँ फिर से प्रिंट टाइप स्टेटमेंट है, जहाँ एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो यहाँ लोकल वैल्यू 5 प्रिंट कर देगा। कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली, यस, रन में लोकल एक्स की वैल्यू 5 प्रिंट की, फिर यूज लोकल को कॉल किया जहाँ 25 एंड 26 प्रिंट कर दिया, फिर यूज लोकल को कॉल किया फिर 25 26 प्रिंट कर दिया, और फिर मैन में एक्स की वैल्यू 5 को प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें प्रोटोटाइप फंक्शन यूज स्टैटिक लिया है, एक्स मेन फंक्शन में एक्स इक्वल टू 5 लिया, एक्स को प्रिंट किया, फिर यूज स्टैटिक को 2 बार कॉल किया, पिछली बार यूज लोकल को कॉल किया था, एक बार यूज स्टैटिक को, फिर एक्स को प्रिंट कर दिया। मतलब यहाँ और कोई डिफरेंस नहीं है, यूज स्टैटिक फंक्शन के अंदर डिफरेंस है, और उसमें भी डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, यहाँ इंट एक्स इक्वल टू लिखने की बजाय स्टैटिक इंट एक्स लिखा है, मतलब ये एक्स जो यहाँ पर है ये ऑटो नहीं है, ये स्टैटिक इंट है, स्टैटिक है, और उसको वैल्यू हमने दी है 50, तो एक्स को इनिशियल वैल्यू 50 मिली है, ये 50 को प्रिंट करेगा, उसके बाद में एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगा, 51 प्रिंट करेगा, 50 एंड 51 प्रिंट किया है। उसके बाद फिर से यूज स्टैटिक को कॉल हुआ, तो क्योंकि ये स्टैटिक इंट था इसलिए ये पुरानी वैल्यू को रिटेन रखेगा, पुरानी वैल्यू 51 हो चुकी थी एक्स की, इसलिए ये 50 है इसको रीड नहीं करेगा, ये 51 को रिटेन रखेगा और इस बार 51 प्रिंट करेगा, फिर एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगा और 52 प्रिंट करेगा। कंपाइल एंड रन करके देखते हैं,
सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन एग्जैक्टली। लोकल एक्स 5, स्टैटिक एक्स 50, स्टैटिक एक्स 51, फिर सेकंड कॉल में स्टैटिक एक्स 51, स्टैटिक एक्स 52 एंड देन लोकल एक्स 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल में कुछ एक चीज़ें हैं। एक ग्लोबल यूज ग्लोबल नाम से एक फंक्शन लिया है, एक मेन फंक्शन से भी पहले एक्स की वैल्यू 1 दे दी है, और फिर मेन फंक्शन में उसी तरह से यूज लोकल यूज स्टैटिक को कॉल कर रहे थे, वैसे यूज ग्लोबल को 2 बार कॉल किया। यूज ग्लोबल में एक्स को डिक्लेयर नहीं किया है, सीधा एक्स को प्रिंट किया है। तो यहाँ पर जो ग्लोबल एक्स था या एक्सटर्न टाइप वेरिएबल जिसको कहते हैं, उसकी वैल्यू ये प्रिंट करेगा जो कि 1 है, तो 1 प्रिंट करेगा, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा, एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी, देन यहाँ 10 प्रिंट कर देगा। उसके बाद में जब सेकंड कॉल यूज लोकल को होती है, उस समय एक्स की वैल्यू 10 है, 10 प्रिंट करेगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 100 करेगा, फिर 100 प्रिंट कर देगा। कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रन करने पर एक्स की वैल्यू 5 प्रिंट की, ग्लोबल एक्स 1 है, 10 है, देन 10 एंड 100 है, एंड देन लोकल में एक्स की वैल्यू 5 है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें इन सब को एक साथ कर दिया है। तो यहाँ पर यूज लोकल, यूज स्टैटिक, यूज ग्लोबल 3 प्रोटोटाइप फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं, डिफाइन किए हैं। उसके बाद ग्लोबल एक्स इक्वल टू 1 कर दिया, एक्स की वैल्यू 5 मेन फंक्शन में, लोकल एक्स इक्वल टू 5 उसको प्रिंट कर दिया, फिर उसके अंदर एक इनर स्कोप बनाया, उसमें फिर से एक्स को डिक्लेयर किया, वैल्यू 7 दी, उसको प्रिंट कर दिया, उसके बाद में एक्स की वैल्यू को फिर से प्रिंट कर दिया मेन फंक्शन में। उसके बाद सभी फंक्शंस को कॉल किया, पहले यूज लोकल को, फिर यूज स्टैटिक को, फिर यूज ग्लोबल को, उसके बाद फिर यूज लोकल, यूज स्टैटिक एंड यूज ग्लोबल फंक्शन को कॉल किया, और उसके बाद फंक्शन एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दी। उसके बाद यूज लोकल जिसमें एक्स इक्वल टू 25 जो प्रिंट कर दिया, एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर दी, एक्स बाद में एक्स की वैल्यू को फिर से प्रिंट कर दिया। यूज स्टैटिक में स्टैटिक एक्स इक्वल टू 50 उसको प्रिंट किया, वैल्यू इंक्रीज की, फिर से प्रिंट किया, फिर ग्लोबल, ग्लोबल में एक्स को डिक्लेयर नहीं किया, सीधा प्रिंट किया, उसके बाद में एक्स की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई किया, वापस प्रिंट कर दिया। तो अब इसका आउटपुट कैसे रहेगा? तो इसका आउटपुट यहाँ मेन फंक्शन में सबसे पहले एक्स इक्वल टू 5 प्रिंट करेगा आउटर स्कोप मेन का, उसके बाद में इनर स्कोप 7 प्रिंट करेगा, फिर आउटर स्कोप फिर से 5 प्रिंट करेगा, फिर यूज लोकल को कॉल हुआ है, यूज लोकल में एक्स की वैल्यू 25 है तो 25 प्रिंट करेगा, और उसके बाद में एक इंक्रीज करके 26 प्रिंट करेगा। उसके बाद में फिर से यूज स्टैटिक को कॉल किया है, तो यूज स्टैटिक में एक्स की वैल्यू 50 है, 50 प्रिंट करेगा, उसके बाद में एक इंक्रीज करेगा और 51 प्रिंट करेगा। उसके बाद में यूज ग्लोबल को कॉल हुआ है, तो यूज ग्लोबल में एक्स की वैल्यू जो ग्लोबल वैल्यू है 1 वो प्रिंट करेगा, 10 से मल्टीप्लाई करके 10 प्रिंट करेगा। उसके बाद में फिर से यूज लोकल को कॉल हुआ है, तो यूज लोकल में फिर से एक्स की वैल्यू 25 प्रिंट करेगा एंड एक इंक्रीज करके 26 प्रिंट करेगा। फिर यूज स्टैटिक को कॉल हुआ है, यूज स्टैटिक में एक्स की वैल्यू 51 पहले ही हो चुकी थी, स्टैटिक है इसलिए इसको रिटेन रखेगा, इसका मतलब अब 50 नहीं रखेगा, पुरानी वाली वैल्यू रखेगा और वो है 51, तो 51 प्रिंट करेगा, इंक्रीज करके 52 प्रिंट करेगा। और फिर यूज ग्लोबल को कॉल हुआ है, यूज ग्लोबल को कॉल हुआ है तो वैल्यू अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुरानी 10 है, वो 10 प्रिंट करेगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा और 100 प्रिंट करेगा। उसके बाद में मैन फंक्शन में फिर से लिखा है प्रिंट लोकल एक्स इन मैन, तो उसकी वैल्यू 5 है जो 5 प्रिंट कर देगा। कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, यस रन हो गया। तो इसमें देखें, पहले लोकल एक्स 5, इनर स्कोप 7, लोकल एक्स 5, बाद में यूज लोकल एक्स की वैल्यू 25, 26, फिर स्टैटिक एक्स 50, 51, फिर ग्लोबल एक्स 1 एंड 10, फिर लोकल एक्स 25, 26, स्टैटिक 51, 52 एंड ग्लोबल 10 एंड 100, और लास्ट में इन मैन फंक्शन इट इज़ 5 प्रिंट कर दिया।
अब इन फंक्शंस को वन बाय वन देखते हैं। तो ये है पूरा प्रोग्राम जिसमें मेन फंक्शन में तीन लोकल वेरिएबल, तीन प्रोटोटाइप फंक्शंस हैं, ग्लोबल एक्स है, मेन फंक्शन है उसमें एक्स इक्वल टू 5 एक्स को प्रिंट किया, इनर स्कोप में एक्स इक्वल टू 7 एक्स को प्रिंट किया, आउटर स्कोप में फिर से प्रिंट किया, फिर यूज लोकल, यूज स्टैटिक, यूज ग्लोबल फंक्शंस को कॉल किए वन बाय वन, बाद में फिर से यूज लोकल, यूज स्टैटिक, यूज ग्लोबल फंक्शंस को वन बाय वन कॉल किए, और उसके बाद में जो लोकल एक्स है उसको प्रिंट कर दिया। यूज लोकल फंक्शन है वो इस बॉक्स में है जिसमें एक्स इक्वल टू 25 एक ऑटो वेरिएबल है, उसको प्रिंट किया, उसकी वैल्यू इंक्रीज की, प्रिंट कर दिया। यूज स्टैटिक है उसमें एक्स इक्वल टू 50 एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, स्टैटिक एक्स है उसको इंक्रीज किया और फिर प्रिंट कर दिया। और बात करें ग्लोबल की, तो ग्लोबल में एक्स को प्रिंट किया, देन एक्स की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई किया और फिर से एक्स को प्रिंट कर दिया। यहाँ पर हम जो एक्स इनर स्कोप वाला है इसको हम कहते हैं एन आइडेंटिफायर, स्कोप इज वेयर द आइडेंटिफायर कैन बी रेफर्ड इन ए प्रोग्राम। तो अब इस इनर स्कोप वाले एक्स का स्कोप क्या है, तो हम कहेंगे ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है और ये एंड होता है, इसके बीच में इसका स्कोप है, मतलब ये इतने ही इलाके में काम करेगा, इतना ही इसका परास है, इतना ही इसका स्कोप है। लिंकेज, तो एन आइडेंटिफायर लिंकेज डिटरमाइंस फॉर मल्टीपल सोर्स फाइल प्रोग्राम whether an identifier is known only in the current source file or in any source file with the proper declaration। तो ये जो ग्लोबल अक्स है उसके लिए है कि इसका लिंकेज क्या है, तो कहीं भी यदि किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में अक्स को यदि डिक्लेयर नहीं किया है तो ये जो ग्लोबल अक्स है इसकी वैल्यू वहाँ पर ली जाएगी। तो इसका लिंकेज हर फंक्शन से है, हर फंक्शन से लिंक्ड है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, वेरिएबल्स विद ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन आर क्रिएटेड व्हेन द ब्लॉक इन विच दे आर डिफाइंड इज एंटर्ड एग्जिस्ट व्हाइल द ब्लॉक इज एक्टिव एंड आर डिस्ट्रॉयड व्हेन द ब्लॉक इज एक्साइटेड। ए फंक्शंस लोकल वेरिएबल नॉर्मली हैव ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। तो अब ये जो वेरिएबल है ऑटो वेरिएबल है इसका ड्यूरेशन भी ऑटोमेटिक होता है, मतलब इसको यहाँ डिक्लेयर किया तो इसको वैल्यू असाइन हो गई, ये वेरिएबल क्रिएट कर दिया गया है, लेकिन जो ये ब्लॉक ख़त्म होता है तो ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, इसका मीनिंग ख़त्म हो जाता है, ये वेरिएबल लॉस्ट हो जाता है। तो इसका जो ड्यूरेशन है उसको भी हम कहते हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। ग्लोबल वेरिएबल है उसको एक ग्लोबल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड बाय प्लेसिंग वेरिएबल डेफिनेशन आउटसाइड एनी फंक्शन डेफिनेशन। ग्लोबल वेरिएबल्स रिटर्न देयर वैल्यूज थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो जो ग्लोबल वेरिएबल है उनको हम किसी भी फंक्शन के, जैसे यहाँ मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया, ये सब फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किया जाता है, और इन वेरिएबल्स का स्कोप प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक बना रहता है। आइडेंटिफायर कैन हैव फंक्शन स्कोप, फाइल स्कोप, ब्लॉक स्कोप और फंक्शन प्रोटोटाइप स्कोप। तो एक कोई भी आइडेंटिफायर है वो किस तरह के स्कोप रख सकता है, तो फंक्शन स्कोप रख सकता है, फाइल स्कोप रख सकता है, ब्लॉक स्कोप रख सकता है और फंक्शन प्रोटोटाइप स्कोप रख सकता है, इनको भी हम देखेंगे। एन आइडेंटिफायर डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन हैज फाइल स्कोप। तो फाइल स्कोप क्या होता है, जो भी ग्लोबल वेरिएबल है उसका स्कोप होता है उसको हम फाइल स्कोप कहते हैं, जो किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है, सारे फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किया जाता है उसको हम फाइल स्कोप कहते हैं। सच एन आइडेंटिफायर इज नोन इन ऑल फंक्शंस फ्रॉम द पॉइंट एट विच इट इज डिक्लेयर्ड अंटिल द एंड ऑफ द फाइल। इसको जहाँ डिक्लेयर कर दिया गया उसके बाद में जो भी फंक्शंस आएंगे, यदि ऊपर कर दिया तो मेन फंक्शन, मेन के नीचे किया जाता तो आगे वाले फंक्शंस के लिए, उन सब के लिए ये नोन होता है, वो सब इस वेरिएबल को जानते हैं, वो सारे फंक्शन जानते हैं। और इसका एंड कब होता है, जब पूरी फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है,
तो जब से डिक्लेयर किया वहाँ से लेकर फाइल पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने तक ये डिक्लेयर्ड रहता है। आइडेंटिफाई डिफाइंस इनसाइड ए ब्लॉक हैव ब्लॉक स्कोप, ब्लॉक स्कोप एंड्स एट द टर्मिनेटिंग राइट ब्रेसेस ऑफ द ब्लॉक। जो जो भी वेरिएबल या आइडेंटिफायर किसी ब्लॉक में डिफाइंड हैं, डिक्लेयर्ड हैं, जैसे यहाँ ये int x इक्वल टू 7 है, तो ये इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, तो जो ये कर्ली ब्रेसेस ऑफ होंगे, राइट कर्ली ब्रेसेस इसको मिलेगा, वहाँ पर इसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा। इस स्कोप को कहते हैं ब्लॉक स्कोप, मतलब इस ब्लॉक में ही ये वैलिड है। एनी ब्लॉक में कॉन्टेन वेरिएबल डेफिनेशंस व्हेन ब्लॉक आर नेस्टेड एंड एन आइडेंटिफायर इन एन आउटर ब्लॉक हैज़ द सेम नेम एज द एन आइडेंटिफायर इन एन इनर ब्लॉक, आइडेंटिफायर इन द आउटर ब्लॉक इज हिडन अंटिल द इनर ब्लॉक टर्मिनेट्स। तो जैसे यहाँ पर एक आउटसाइड इंट एक्स इक्वल टू 5 हमने डिक्लेयर किया और फिर कर्ली ब्रेसेस में हमने फिर से इंट एक्स इक्वल टू 7 कर दिया, तो अब पुराने वाले एक्स का क्या होगा, जब क्योंकि ये इस ब्लॉक के अंदर है, ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है, इसका एंड नहीं हुआ है, अंदर वाले का एंड हो गया, लेकिन अंदर वाले के अंदर वो भी ओपन है और ये भी ओपन है, तो यहाँ पर कौन सा एक्स है, तो यहाँ पर जो इस एक्स को डिक्लेयर किया जाता है वो पुराने वाला हिडन हो जाता है, वो ख़त्म नहीं होता, वो हिडन हो जाता है, छुप जाता है, और जब तक इस अंदर वाले एक्स का स्कोप रहता है तब तक वो हिडन रहेगा, मतलब इस कर्ली ब्रेसेस तक वो हिडन रहेगा, इसके बाद में वो वापस से एक्टिव हो जाता है। लोकल वेरिएबल्स डिफाइंड एट द बिगनिंग ऑफ द फंक्शन हैव ब्लॉक स्कोप एज डू फंक्शन पैरामीटर्स विच आर कंसिडर्ड लोकल वेरिएबल्स बाय द फंक्शन। जो भी कोई फंक्शन है उसके अंदर कोई लोकल वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, जैसे यहाँ पर int x इक्वल टू 25 किया है, तो ये भी ब्लॉक स्कोप में ही आता है। और इस तरह के जो फंक्शंस हैं एज डू फंक्शन पैरामीटर्स विच आर कंसिडर्ड लोकल वेरिएबल बाय द फंक्शन, ये फंक्शंस के लोकल वेरिएबल हैं। कीवर्ड एक्सटर्न एंड स्टैटिक आर यूज्ड टू डिक्लेयर इन आइडेंटिफायर फॉर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। तो एक्सटर्न मतलब ग्लोबल जो भी है वो और स्टैटिक है, उनको हम इस तरह के आइडेंटिफायर्स जो हैं वो हम यूज आइडेंटिफायर जब डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल नेम्स वेरिएबल्स के डिक्लेयर करते हैं, तो उनसे पहले एक्सटर्न या स्टैटिक यूज़ करते हैं, तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास के लिए होता है, मतलब वहाँ पर उस जो भी वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं उस वेरिएबल को, वो एक लॉन्ग स्कोप के लिए होती है जब तक कि पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता प्रोग्राम। स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन वेरिएबल्स आर अलोकेटेड एंड इनिशियलाइज्ड वंस बिफोर द प्रोग्राम बिगन्स एग्जीक्यूशन। ये जो स्टैटिक वेरिएबल है इसका एक ही बार ही डिक्लेरेशन होगा, उसके बाद में यदि इस फंक्शन को भी यदि बार बार कॉल किया जाता है तो इसका डिक्लेरेशन बार बार नहीं होगा और इसकी जो पुरानी वैल्यू है उसको ये रिटेन करता है। तो इसको एक बार लोकेशन एलोकेट मतलब मेमोरी स्पेस में जगह एलोकेट हो जाती है और वहाँ पर इसको इनिशियल वैल्यू मिल जाती है, उसके बाद में हमने यदि वैल्यू चेंज कर दी उस जगह पे तो वो चेंज वैल्यू इसकी हो जाती है। लोकल स्टैटिक वेरिएबल्स रिटर्न देयर वैल्यू बिटवीन कॉल्स टू फंक्शन इन विच दे आर डिफाइंड। अब जैसे यहाँ पर ये यूज स्टैटिक फंक्शन है, इसके अंदर हमने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो इस स्टैटिक एक्स की वैल्यू इस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू तब भी काम आएगी जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। इस फंक्शन को यदि दूसरी बार कॉल किया जाता है तो वैल्यू दोबारा काम आ जाएगी, इस फंक्शन को 10 बार कॉल किया जाता है तो इसकी वो वैल्यू 10 बार काम आ जाएगी। जो एक बार वैल्यूज में चेंज हो गए वो दोबारा कॉल में वो पुरानी वैल्यू ले लेगा, जो लास्ट चेंज हो की थी वही वैल्यू ले लेगा, लेकिन इस फंक्शन के बाहर इसको कोई नहीं जानता। ऑल न्यूमेरिक वेरिएबल ऑफ स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन आर इनिशियलाइज्ड टू 0 इफ यू डू नॉट एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज देम। यदि हम यहाँ पर एक्स इक्वल टू 50 नहीं लिखते तो इसको इनिशियल वैल्यू 0 मिल जाती है। स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनमें इनिशियल वैल्यू 0 ऑटोमेटिकली मिल जाती है।
देर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स विच आर विद स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन. एक्सटर्नल आइडेंटिफायर सच एज ग्लोबल वेरिएबल एंड फंक्शन नेम्स एंड लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर विद द स्टोरेज क्लास एज स्पेसिफायर स्टैटिक. तो अब जो स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन है उसमें हमने दो की बात की, एक स्टैटिक और दूसरा ग्लोबल. ग्लोबल जिसको हमने एक्सटर्नल आइडेंटिफायर भी कहा, तो एक्सटर्नल आइडेंटिफायर में जो फंक्शन नेम होते हैं वो भी एक्सटर्नल आइडेंटिफायर के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि फंक्शन नेम जो ग्लोबल फंक्शंस होते हैं वो भी सारे किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं, तो वो एक्सटर्नल आइडेंटिफायर होते हैं. और स्टैटिक आइडेंटिफायर जो होंगे वो किसी फंक्शन के अंदर होंगे. लेबल्स आर द ओनली आइडेंटिफायर्स विद फंक्शन स्कोप. लेबल्स कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द फंक्शन इन विच दे अपीयर बट कैन नॉट बी रेफरेंस्ड आउटसाइड द फंक्शन बॉडी. लेबल जो सी प्रोग्रामिंग, जैसे हम स्विच केस करते हैं तो केस लेबलिंग का काम करता है, या हम कोई भी लेबलिंग करते हैं, लेबल कोई भी मतलब कुछ लिख के आगे कोलन लगा देना, वो सी प्रोग्रामिंग लेबल की तरह काम करता है. तो जो लेबल्स हैं वो फंक्शन में कहीं भी काम में ले जा सकते हैं, लेकिन उसका उनका स्कोप फंक्शन स्कोप होता है. क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर उन लेबल्स को पहचाना जाता है. उस फंक्शन के अलावा किसी दूसरे फंक्शन की बात करें तो वो उस पुराने फंक्शन के लेबल्स को नहीं पहचानता. ओनली आइडेंटिफायर्स विद फंक्शन प्रोटोटाइप स्कोप आर दोज यूज इन द पैरामीटर लिस्ट ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप. आइडेंटिफायर्स यूज इन द फंक्शन प्रोटोटाइप कैन बी रीयूज एल्सवेयर इन द प्रोग्राम विदाउट एम्बिग्यूटी. जो प्रोटोटाइप फंक्शन होते हैं उनके अंदर जो वेरिएबल, प्रोटोटाइप फंक्शन में जो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए जाते हैं पैरामीटर लिस्ट में, नॉर्मली तो प्रोटोटाइप में हम नहीं करते हैं, लेकिन यदि कर दिए हैं इंट एक्स इंट वाई इंट जेड लिख दिया पैरामीटर लिस्ट में कॉमा से सेपरेट करके, तो उनको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप स्कोप. और उनको कितनी बार डिक्लेयर कर लो, कहीं भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. रिकर्जन के कुछ यहाँ स्टेटमेंट्स लिखे हैं जिनको हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं. तो एक एग्जांपल से इसको स्टार्ट करते हैं. फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करें? तो फैक्टोरियल नॉर्मली एक प्रोग्राम हम लिखें तो उसमें इंटीजर आई डिक्लेयर किया, फैक्टर डिक्लेयर किया, फैक्ट इक्वल टू वन कर दिया. अब एक लूप लगाते हैं आई इक्वल टू वन, आई लेस देन 15, आई प्लस प्लस, उसके बाद फैक्ट को आई से मल्टीप्लाई कर दिया. फैक्ट की इनिशियल वैल्यू 1 थी, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 रहेगा, 2 से 2 हो जाएगा, बाद में 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा 120 बन 24, 5 से मल्टीप्लाई होगा 120 बन जाएगा. इस तरह से बनता जाएगा और उसको हम प्रिंट करते जाएंगे आई और फैक्ट को. लेकिन फैक्टोरियल के दूसरे डेफिनेशन हम देखें तो फैक्टोरियल ऑफ एन क्या होता है? तो फैक्टोरियल ऑफ एन होता है वो वन होता है यदि एन जीरो या वन है, अदरवाइज एन टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन होता है. इस डेफिनेशन को यदि हम काम में लें तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं फैक्टोरियल, और उस फंक्शन में को हम कॉल करते हैं एक लूप के अंदर, और उसके बाद में उस फंक्शन को हम फंक्शन के अंदर हम लिख देते हैं इफ एन इज लेस देन इक्वल टू वन रिटर्न वन, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में ये था यदि एन लेस देन इक्वल टू वन है तो फैक्टोरियल ऑफ एन वन होगा, एल्स एन इंटू एन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन होगा, तो एल्स रिटर्न एन स्टार फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन. मतलब हम इसी फंक्शन के अंदर इसी फंक्शन को खुद को कॉल कर रहे हैं. जो कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं, तो यहां पर फंक्शन फैक्टोरियल है वो प्रोटोटाइप लिया, आई फैक्ट इक्वल टू वन, फोर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 22, आई प्लस प्लस, ये लूप लगाया, प्रिंट किया. यहां पर ये फैक्ट है, ये यूजलेस है, इसको ना रखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
उसके बाद में ये फंक्शन है, इसको कॉल किया, फंक्शन कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेगा, तो आई की कोई भी वैल्यू यहाँ पर फंक्शन के पास जाएगी, यदि वो वैल्यू वन से कम या उसके बराबर हुई तो रिटर्न वन करेगा, एल्स एन स्टार फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, मतलब ये फैक्टोरियल है, ये खुद को ही कॉल कर रहा है, खुद फंक्शन अपने आप को कॉल करे, उसको हम रिकर्जन बोलते हैं। इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, रन भी सक्सेसफुली हो गया है, और वैल्यूज फैक्टोरियल ऑफ जीरो इज वन, फैक्टोरियल ऑफ वन इज वन, फैक्टोरियल ऑफ टू इज टू, फैक्टोरियल ऑफ थ्री इज सिक्स, फैक्टोरियल फोर ऑफ इज 24, फैक्टोरियल ऑफ फाइव इज 120 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज लगभग फैक्टोरियल ऑफ 20 तक सही आ रही हैं, फैक्टोरियल ऑफ 21 गलत आ रहा है क्योंकि ये हमारी रेंज से बाहर निकल गया है। क्यों निकल गया? क्योंकि हमने जो लिया था वो अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर लिया था, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर की जो जितनी परिभाषा जितनी लिमिट होती है वहां तक ये सही आया है। ये जो रिकर्सिव फंक्शन है, किसको कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन? तो रिकर्सिव फंक्शन इज ए फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई फंक्शन यदि अपने आप को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉल करे तो उसको हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ फैक्टोरियल फंक्शन है, वो अपने आप को कॉल कर रहा है। इफ ए रिकर्सिव फंक्शन इज कॉल्ड विद ए बेस केस, द फंक्शन सिंपली रिटर्न्स ए रिजल्ट। कोई फंक्शन है वो रिकर्सिव फंक्शन है, वो जब कॉल करता है तो उसमें एक बेस केस भी होना चाहिए, बेस वैल्यू भी होनी चाहिए। यदि बेस वैल्यू है तो वो हमें रिजल्ट रिटर्न करता है। इफ इट इज कॉल्ड फॉर कॉल्ड विद ए मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, द फंक्शन डिवाइड्स द प्रॉब्लम इनटू टू कॉन्सेप्चुअल पीसेज, ए पीस दैट द फंक्शन नोज हाउ टू डू एंड ए स्लाइटली स्मार्टर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो कोई भी अपने पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, तो हम उसको रिकर्सिव फंक्शन से ही करना पसंद करते हैं या रिकर्सिव फंक्शन से करते हैं। किस तरह से करते हैं? तो फंक्शन अपनी प्रॉब्लम को हम कुछ कॉन्सेप्चुअल पीसेज टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, जो उसका कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर दोनों कुछ टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, और उसके बाद में उसको थोड़ा सा स्मार्ट रूप में प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। न्यू प्रॉब्लम लुक्स लाइक द ओरिजिनल प्रॉब्लम, द फंक्शन लॉन्चेज ए रिकर्सिव कॉल टू वर्क ऑन द स्मॉलर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जैसे फैक्टोरियल में हम देखें तो फैक्टोरियल एन कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे डेफिनेशन में फैक्टोरियल ऑफ एन क्या है? एन टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। अब फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन वो फैक्टोरियल एन जैसा ही हो गया है, तो हम उस इस तरह का जब भी जहाँ कहीं भी मिलता है उसको हम कहते हैं फंक्शन की इस तरह की कॉल जो सिमिलर प्रॉब्लम है, तो सिमिलर प्रॉब्लम रिकर्सिव में डाल देते हैं और प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर रिकर्जन टू टर्मिनेट ईच टाइम द रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ विद ए स्लाइटली सिंपलर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम, द सीक्वेंस ऑफ स्मॉलर एंड स्मॉलर प्रॉब्लम मस्ट कन्वर्ज ऑन द बेस केस। जो भी रिकर्सिव फंक्शन है वो हमें रिजल्ट देगा यदि वो कभी टर्मिनेट होगा, और वो टर्मिनेट होगा यदि उसका नेक्स्ट वर्जन है। जैसे यहाँ फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं फैक्टोरियल को, तो ये नेक्स्ट वैल्यू n माइनस वन ले रहा है, मतलब अब पहले फैक्टोरियल n कैलकुलेट करना था, अब n माइनस वन मतलब एक कम वैल्यू का करना है। तो प्रॉब्लम इस तरह से छोटी होती जानी चाहिए और इस तरह की जो सिक्वेंस है वो कन्वर्जिंग सिक्वेंस होनी चाहिए, अभिसारी होनी चाहिए। यदि अभिसारी नहीं है तो ये कभी कन्वर्ज नहीं होगा और ये रिकर्सिव फंक्शन इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा, और जो बेस केस है उस पर कन्वर्ज होना चाहिए। बेस केस क्या है? जो अपनी टर्मिनेशन कंडीशन है, जैसे यहाँ पर n लेस देन इक्वल टू वन है, तो यदि हम यहाँ n फैक्टोरियल n प्लस वन लिख देंगे इनपुट में तो ये कभी एंड नहीं होगा, या n की वैल्यू नेगेटिव दे देंगे तो ये कभी एंड नहीं होगा, क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव के लिए तो ये एंड हो जाएगा क्योंकि बेस केस लेस देन इक्वल टू वन है, लेकिन n की वैल्यू या इनपुट में फैक्टोरियल n प्लस वन लिख देंगे तो ये कभी एंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू बढ़ती जाएगी और यहाँ एक बेस केस है वो कभी भी ट्रू नहीं होगा। इफ इट्स कॉल्ड विद ए मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम द फंक्शन डिवाइड्स द प्रॉब्लम इनटू टू कॉन्सेप्चुअल पीसेस, व्हेन द फंक्शन रिकॉग्नाइज द बेस केस द रिजल्ट इज रिटर्न टू द प्रीवियस फंक्शन कॉल।
एंड ए सीक्वेंस ऑफ रिटर्न सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स इंश्योर्स इंश्योर्स ऑल द वे अप द लाइन अनटिल द ओरिजिनल कॉल ऑफ द फंक्शन इवेंचुअली रिटर्न्स द फाइनल रिजल्ट। तो जब फंक्शन को बेस केस मिल जाता है तो उसको जितनी बार कॉल हुआ है उनको सबको कलेक्ट करके जो फाइनल को वैल्यू जो बन रही थी, जो पहले इसको जहाँ कॉल किया गया वहाँ जो वैल्यू चाही गई थी, वो वैल्यू ये कैलकुलेट करके रिटर्न कर देता है। स्टैंडर्ड सी डज नॉट स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच द ऑपरेंड्स ऑफ मोस्ट ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग प्लस आर टू बी इवेल्यूटेड। ऑफ सी मैनी ऑपरेटर्स द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन of the operands of only the operands and or comma operator and trinary operator question mark colon the first three of these are binary operators whose two operands are evaluated left to right, the last operator is only trinary operator its leftmost operand is evaluated first. If it evaluates to non-zero, the middle operand is evaluated next and the last operand is ignored. If the leftmost operand evaluates to zero, the third operand is evaluated next and the middle operand is ignored. तो यहाँ पर ये कह रहा है सी की जो स्टैंडर्ड सी प्रोग्रामिंग है वो जो ऑपरेंड्स हैं उनको किस ऑर्डर में ऑपरेटर है, क्या है ऑर्डर इन which the operands of most operator are to be evaluated. अधिकतर operators के लिए operands को किस order में operate किया जाए ये सी standard सी में specify नहीं है। जैसे addition, यहाँ addition लिखा है तो addition के लिए plus के लिए पहले left को operate किया जाए या right को, मतलब addition में दोनों symmetric होते हैं left plus right, तो लेफ्ट को राइट पे ऑपरेट किया जाए या राइट को लेफ्ट पे, ये कोई डेफिनेशन इसमें नहीं होती है, ये इसमें डिफाइंड नहीं है। हाँ कुछ जैसे एम परसेंट है और है कोमा है उनके लिए कुछ है, या ट्राइनरी ऑपरेटर जो है क्वेश्चन मार्क कोलन उसकी जो पूरी डेफिनेशन दे रखी है। तो इसमें कितने ऑपरेंड होते हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन मार्क से पहले एक ऑपरेशन होता है, कुछ ऑपरेंड होता है क्वेश्चन मार्क एंड कोलन के बीच में एक ऑपरेंड होता है, और क्वेश्चन मार्क कोलन के बाद में एक ऑपरेंड होता है। तो क्वेश्चन मार्क से पहले जो एक ऑपरेंड होता है वो एक कंडीशन होती है जो ट्रू या फॉल्स होती है, मतलब जीरो या नॉन जीरो होती है। जीरो मतलब फॉल्स, नॉन जीरो मतलब ट्रू। यदि वो ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क एंड कोलन के बीच में क्या ऑपरेशन इसको कहा गया वो ऑपरेट होता है। यदि क्वेश्चन मार्क से पहले जो है वो जीरो है तो क्वेश्चन मार्क एंड कोलन के बीच वाली ऑपरेंड को इग्नोर करता है और उसके कोलन के बाद वाला क्या है उसको ये इवल्यूट करता है। अब है रिकर्सिव फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज जो है वो क्या होती है, तो फिबोनाची सीरीज में यदि हम किसी वो एक सीक्वेंस होती है, एक अनुक्रम होता है जिसके एंथ एलिमेंट को यदि हम एफ एन से रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से होती है कि इसका पहले दो एलिमेंट जीरो और वन होते हैं और आगे सारे एलिमेंट्स पहले वाले दो एलिमेंट्स का एडिशन होते हैं। मतलब एफ जीरो है वो जीरो होता है, एफ वन वन होता है, और एफ एन है वो एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन प्लस एन माइनस टू होता है। यदि कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो एफ एन इज इक्वल्स टू जीरो इफ एन इज इक्वल्स टू जीरो, वन इफ एन इज इक्वल्स टू वन, अदरवाइज एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू। ये ओनली एन ग्रेटर देन वन के लिए एफ एन वाली डेफिनेशन। और उसके बाद में तो ये सीक्वेंस किस तरह से बन जाती है, ये जीरो वन वन टू थ्री फाइव एट थर्टीन ट्वेंटी वन थर्टी फोर फिफ्टी फाइव एटी नाइन वन वन फोर एंड सो ऑन, इस तरह से ये सीरीज बन जाती है, ये सीक्वेंस बन जाती है, ये सीक्वेंस बन जाती है। इसके लिए हम प्रोग्राम लिखें तो यहाँ पर हम फिबोनाची नंबर प्रिंट करना चाह रहे हैं, हम एक नंबर प्रिंट करते रीड करते हैं और उस नंबर पे फिबोनाची सीरीज का कौन सा नंबर है सीक्वेंस में उतने नंबर पे कौन सा नंबर फिबोनाची सीरीज का है वो हम कैलकुलेट करते हैं। वो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ एक फंक्शन लिया है उसको हम कॉल करते हैं और वो फंक्शन
जो वैल्यू रिटर्न करता है वो हम रिजल्ट को असाइन करते हैं और रिजल्ट को प्रिंट कर देते हैं। फंक्शन क्या कर रहा है, यदि एन की वैल्यू 0 या 1 है तो ये रिटर्न करेगा एन की वैल्यू, क्योंकि एफ 0 0 है, एफ 1 1 है। अदरवाइज ये एन माइनस एफ एन माइनस 1 है, उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसके एन माइनस 1 और एन माइनस 2 वैल्यू को ऐड करके प्रिंट कर दे रिटर्न कर देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल है जिसमें ये कमेंट है, प्रोटोटाइप फंक्शन है, मेन फंक्शन में रिजल्ट को डिक्लेयर किया है, नंबर को डिक्लेयर किया है, नंबर को रीड किया है, फिबोनाची फंक्शन को कॉल किया है, जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो रिजल्ट को असाइन किया है और रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। फिबोनाची फंक्शन में क्या है, तो उसमें इफ 0 इज इक्वल्स टू एन और 1 इज इक्वल्स टू एन तो रिटर्न एन, एल्स रिटर्न फिबोनाची एन माइनस 1 प्लस फिबोनाची एन माइनस 2। कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली रन करते हैं तो यहाँ पर जैसे देख के देखते हैं 0 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 2, 4 पे 3, 5 पे 5, 6 पे 8, 8 पे 21, 10 पे 55, 20 पे 6765, 30 पे नंबर बड़ा आ गया 832040, और इस तरह से हम कितने भी नंबर्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिकर्सिव रिलेशन लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। लेजेंड्रे पॉलिनोमियल क्या होता है, तो लेजेंड्रे बहुपद होता है पी एन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 एन फैक्टोरियल एन डी एन और डी एक्स एन एंथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1^n। इसका रिकर्सिव रिलेशन हमारे काम का है, तो इसका रिकर्सिव रिलेशन क्या है, तो वह है n प्लस 1 पी एन प्लस 1 एक्स इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 एक्स पी एन एक्स माइनस एन पी एन माइनस 1 एक्स। इसमें यदि हम n की जगह m माइनस 1 लिखें तो n प्लस 1 की जगह हो जाएगा m, पी एन प्लस 1 की जगह हो जाएगा पी एम इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 की जगह हो जाएगा 2m माइनस 1, n की जगह m माइनस 1, एन किस गए एम माइनस 1 और एन माइनस 1 किस गए एम माइनस 2। और अब ये यूजफुल हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर P हमें पता है पी जीरो एक्स की वैल्यू 1 होती है और पी 1 एक्स की वैल्यू एक्स होती है, और एन की वैल्यू 0 है तो पी जीरो हमेशा 1 रहेगा कॉन्स्टेंट, एंड एन की वैल्यू 1 है तो उसकी वैल्यू जो इनपुट वैल्यू है वो ही रहेगी, और अदरवाइज इस रिकर्सिव फॉर्मूला से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से पी एन एक्स की जनरल वैल्यू हो जाएगी 1 इफ एन इज इक्वल्स टू 0, एक्स इफ एन इज इक्वल्स टू 1, एल्स इट इज 2n माइनस 1 एक्स पी एन माइनस 1 एक्स माइनस एन माइनस 1 पी एन माइनस 2 एक्स और ऑल अपॉन n। अब हम इसके लिए रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं, तो ये अपना फॉर्मूला है, और इसके लिए रिकर्सिव फंक्शन किस तरह से होगा, तो यहाँ मैंने फंक्शन नाम दिया पी एन, इसमें दो इनपुट पैरामीटर्स हैं, पहला है डबल एक्स जो एक्स इनपुट पैरामीटर जो लेजेंडर पॉलिनोमियल का होता है, और जो सबस्क्रिप्ट में एन होता है उसको भी मैंने इनपुट पैरामीटर के रूप में लिया है यहाँ इंट एन। और फंक्शन के अंदर क्या लिखा, इफ एन इज इक्वल्स टू 0 रिटर्न 1, एल्स रिटर्न 1, यदि इफ एन इज एन की वैल्यू 0 है तो ये रिटर्न 1 करे, यदि एन की वैल्यू 1 है तो रिटर्न एक्स करे, अदरवाइज ये जो फॉर्मूला लिखा है उसको लिख दिया 2n माइनस 1 2 स्टार n माइनस 1 स्टार x स्टार पी एन एक्स एन माइनस 1, मतलब इसी फंक्शन को कॉल किया लेकिन n पर नहीं n माइनस 1 पर, और फिर माइनस n माइनस 1 स्टार पी एन इसी फंक्शन को फिर से n की जगह n माइनस 2 के लिए कॉल किया, और फिर पूरे को डिवाइड कर दिया n से, ये रिटर्न करे। यहाँ पर n की वैल्यू कम होते होते 0 या 1 में से पहुँचेगी, क्योंकि हम n माइनस 1 n माइनस 2 लेते जा रहे हैं, ये फंक्शन कॉल होते जाएंगे, तो ये इसकी टर्मिनेशन वैल्यूज भी हमने दे दी हैं। हम प्रोग्राम देखते हैं, तो ये प्रोग्राम है जिसमें प्रोटोटाइप ये फंक्शन ले लिया, जिसमें n इक्वल टू 0 पे रिटर्न 1 करता है, n इक्वल टू 1 के लिए रिटर्न x करता है,
अदरवाइज ये रिटर्न करता है जो भी रिकर्सिव फंक्शन से हमें वैल्यू मिल रही थी। यहां पर ये जो फंक्शन मेन फंक्शन है उसमें हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, तो मेन फंक्शन में एक अक्स नाम का वेरिएबल लिया है, फिर प्रिंट कर रहा हूँ अक्स P0, P1, P2, P3 और फिर एक लूप में अक्स की वैल्यू -1 से 1 विद डिफरेंस 0.1 ये वैल्यूज ले रहा हूँ। और हालांकि ये वैल्यूज अक्स को इंटीजर के रूप में लेना चाहिए, काउंटर वेरिएबल इंटीजर लेना चाहिए, अभी मैं रियल नंबर ही ले रहा हूँ, ये अच्छी हैबिट नहीं है। और बाद में प्रिंट कर रहा हूँ तो प्रिंट स्टेटमेंट में पहले प्रिंट कर रहा हूँ परसेंटेज 4.1 LF, LF का मतलब ये डबल नंबर है, हालांकि डबल को एफ से भी प्रिंट कर सकते हैं, और परसेंटेज 4.1 का मतलब है ये 4 डिजिट्स में इसको प्रिंट करेगा, जिसमें दशमलव के बाद में पॉइंट के बाद में एक डिजिट प्रिंट करेगा। उसके बाद में एक टैब दे रहा हूँ, उसके बाद में परसेंटेज 0.1 LF मतलब एक रियल नंबर प्रिंट करेगा, लेकिन उसमें परसेंट पॉइंट दशमलव के बाद में एक डिजिट प्रिंट करेगा। देन अगेन टैब, अगेन परसेंटेज 4.1 LF मतलब फिर से एक नंबर प्रिंट करेगा जिसमें टोटल 4 डिजिट होंगी और पॉइंट के बाद में एक डिजिट। उसके बाद में 6.3 मतलब आगे 6 डिजिट में टोटल नंबर प्रिंट होगा जिसमें पॉइंट भी शामिल है और दशमलव के बाद में 3 डिजिट। और देन 0.7.4 मतलब टोटल 7 डिजिट्स में और दशमलव के बाद में 4 डिजिट्स। क्या प्रिंट होंगे, तो पहले कॉलम में एक्स प्रिंट होगा, दूसरे कॉलम में P0 एक्स प्रिंट होगा, तीसरे में P1 एक्स, चौथे में P2 एक्स एंड पांचवे में P3 एक्स प्रिंट होगा। कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन हो गया। यहाँ हम देख सकते हैं पहले कॉलम में एक्स की वैल्यू 0.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 एंड सो ऑन +1.0 तक हम ले रहे हैं। दूसरे कॉलम में हर जगह 1 है क्योंकि P0 एक्स की वैल्यू हमेशा 1 रहती है। तीसरे कॉलम में, तीसरे स्तंभ में P1 एक्स है और P1 एक्स की वैल्यू जो एक्स की वैल्यू है वही रहेगी, तो वो भी सही है। चौथे कॉलम में P2 एक्स और पांचवे कॉलम में P3 एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट होकर प्रिंट हुई हैं। तो ये बहुत ही इजीली, बहुत ही छोटे प्रोग्राम ने हमें कैलकुलेट करके दे दिया है। एक्स टू द पावर एन, एक्स की घात एन, एक्स रेज टू द एंथ पावर, इसको हम मैथ लाइब्रेरी यूज किए बिना रिकर्जन से कैसे कैलकुलेट करें। तो यदि एक्स टू द पावर एन को मैं एफ एक फंक्शन मानूं एक्स और एन का, तो ये होता है एक्स टू द पावर एन, जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्स टाइम्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और फंक्शन के रूप में एफ एक्स एन इज इक्वल्स टू वन इफ एन इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि किसी की पावर जीरो करने पर वो वन हो जाता है, और अदरवाइज इट्स एक्स टाइम्स एफ एक्स एन माइनस वन। इसको फंक्शन के रूप में लिखूं तो यहाँ इंटीजर पावर, इंट पावर नाम का एक फंक्शन लिया है जिसमें दो इनपुट पैरामीटर्स हैं, एक एक्स और दूसरा एन, ये रिटर्न वन करता है यदि एन की वैल्यू जीरो है, एल्स ये रिटर्न एक्स टाइम्स एक पावर कम करता है। प्रोग्राम देखते हैं, तो जो फंक्शन है उसको हमने कॉल किया, पहले फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन है वो एन इक्वल टू जीरो पर रिटर्न वन करता है, एल्स रिटर्न एक्स टाइम्स खुद फंक्शन को कॉल करता है विद इनपुट पैरामीटर एक्स एंड एन माइनस वन। हम यहाँ पर मेन फंक्शन में कोई भी वेरिएबल एक्स रीड कर रहे हैं और उसकी 1 से लेकर 10th पावर तक कैलकुलेट करके प्रिंट कर रहे हैं। प्रोग्राम कंपाइल रन करके देखते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रन कोई नंबर दें, नंबर हमने दिया 2,
तो ये 2 की 1 से लेकर 9th पावर तक कैलकुलेट करके प्रिंट कर रहा है सक्सेसफुली। हम नंबर 3 लेके देखते हैं, 3 के लिए भी 3, 9, 27, 91 ठीक है, सही से कैलकुलेट कर रहा है। हम कोई और नंबर लेते हैं, हम 2.2 ले लेते हैं, तो 2.2 के लिए भी ये सही वैल्यूज़ कैलकुलेट करके हमें दे रहा है। अब आता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। क्या होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर? तो सिंपल डेफिनेशन देखें तो सिंपल डेफिनेशन होती है, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ इंटीजर एक्स एंड वाई इज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट यू ओनली डिवाइड्स बोथ एक्स एंड वाई। वो सबसे बड़ी संख्या, बड़ा सा, बड़े से बड़ा इंटीजर जो इंटीजर एक्स और वाई दोनों को डिवाइड कर सकता है, उसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन इसकी एक और डेफिनेशन है, या उसकी इस डेफिनेशन से हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यदि किसी को एक कंक्लूजन चाहिए कैसे आया वो हमें मुझे कमेंट करके बताए, या किसी भी तरह से मुझे कहे, मैं उसका सॉल्यूशन भी करके डाल दूंगा। वो डेफिनेशन है GCD एक्स और कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स इफ वाई इज इक्वल्स टू 0। यदि किसी भी नंबर का 0 के साथ GCD देखा जाए या HCF देखा जाए तो वो नंबर खुद होता है, क्योंकि 0 में सबका भाग जाता है। कितनी बार जाता है? 0 टाइम्स जाता है। तो वो नंबर जिसका भी 0 के साथ रिमाइंडर देखा जाता है वो खुद होता है। यदि दूसरा नंबर 0 नहीं है तो रिमाइंड GCD क्या होता है, तो हम उस दूसरे नंबर का GCD निकालें पहले नंबर में, यदि दूसरे का भाग देने पर जो शेष फल आता है उसके साथ, तो वो सेम होगा। लेकिन इससे हम ये हमें एक आइडिया मिलता है कि हम इसको रिकर्सिवली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो हम एक फंक्शन लिखते हैं, किस तरह से GCD निकालते हैं एक्स और वाई का। यदि वाई 0 है तो ये रिटर्न एक्स कर दे, एक्स ही GCD है। यदि ऐसा नहीं है तो ये फिर से उस फंक्शन को कॉल करें जिसमें पहला वेरिएबल उस पुराने वेरिएबल का सेकंड पैरामीटर था वो है, और दूसरा आर्गुमेंट पहला जो पैरामीटर है उसमें दूसरे भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है वो है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ये एग्जाम्पल है जिसमें GCD वाई इज इक्वल इफ वाई इज इक्वल टू 0 इट विल रिटर्न एक्स, एल्स इट विल रिटर्न GCD ऑफ वाई कोमा एक्स परसेंटेज वाई। और फंक्शन में हम मेन फंक्शन में ए और बी डिक्लेयर किए, उनको रीड किया और उनका GCD कैलकुलेट करके प्रिंट कर रहे हैं। प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रन करते हैं, यहाँ वैल्यू देते हैं 10 एंड 20। वाओ, 10 एंड 20 का 10 है, 20 एंड 10 दिस ऑल्सो सेम, 10 एंड 15 सही है, 15 एंड 10 दिस ऑल्सो फाइन, 100 एंड कोई ऐसा नंबर दे देते हैं, 99 1 99 एंड 100 दिस ऑल्सो 1, 700 ये भी 1, 107 दैट्स ऑल्सो फाइन। नंबर देते हैं 120 एंड 105, 15, सब कुछ सही है। तो ये सारे हम कुछ एग्जांपल्स लेके देख चुके हैं, आंसर सही आ रहा है। रिकर्जन वर्सेस इटरेशन, इटरेशन और रिकर्जन इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या समानता होती है, क्या क्या होता है, ये देखते हैं। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं उन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं। बोथ इटरेशन एंड रिकर्जन आर बेस्ड ऑन ए कंट्रोल स्ट्रक्चर। जो इटरेशन है पुनरावृत्ति है, या रिकर्जन है, वो दोनों ही कंट्रोल स्ट्रक्चर पे आधारित होते हैं। इटरेशन यूजेज ए रिपीटेशन स्ट्रक्चर, रिकर्सन यूजेज ए सिलेक्शन स्ट्रक्चर।
मतलब इटरेशन जब हमें करनी होती है, इटरेटिव जैसे हम लूप लगाते हैं, वहाँ हम एक रिपीटेटिव स्ट्रक्चर लगाते हैं, वहाँ रिपीट करते हैं कि एक प्रोसेस को। रिकर्जन क्या करता है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर करता है, सेलेक्ट करता है, वैल्यू चेंज करता है और फिर रिपीट करता है। बोथ इटरेशन एंड रिकर्जन इन्वॉल्व रिपीटेशन, दोनों में रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है। इटरेशन एक्सप्लिसिटली यूजेज ए रिपीटेशन स्ट्रक्चर, इटरेशन उसमें साफ तौर पे पुनरावृत्ति होती है। रिकर्जन अचीव्स रिपीटेशन थ्रू रिपीटेड फंक्शन कॉल, और रिकर्जन जो है उसमें फंक्शन की कॉल, फंक्शन को हम बार बार कॉल करके एक रिपीटेशन क्रिएट कर लेते हैं। इटरेशन एंड रिकर्जन ईच इन्वॉल्व ए टर्मिनेशन टेस्ट, इटरेशन और रिकर्जन दोनों ही हैं, उनमें एक टर्मिनेशन टेस्ट होता है, मतलब एक कंडीशन होती है कि इसका कहाँ एंड होना है। इटरेशन टर्मिनेट्स व्हेन द लूप कंटिन्यूएशन कंडीशन फेल्स, इटरेशन का तब एंड होता है जब वो लूप को ख़त्म करने की कंडीशन, लूप को कंप्लीट करने की, पूरा करने की कंडीशन इसको मिलती है। रिकर्जन टर्मिनेट्स व्हेन ए बेस केस इज रिकॉग्नाइज्ड, जबकि रिकर्जन है उसमें हम एक बेस केस देते हैं, वो जब मिलता है तब ये टर्मिनेट होता है। इटरेशन एंड रिकर्जन कैन अकर इनफिनिटली, इटरेशन और रिकर्जन दोनों में इन्फिनिटी लूप बन सकता है, इन्फिनिटी टाइम्स हो सकते हैं। कब होते हैं, तो इटरेशन में जब लूप को फॉल्स कंडीशन कभी नहीं मिलती तो वो इन्फिनिटी लूप बन जाता है, और रिकर्जन में इन्फिनिटी लूप तब बनता है जब उसको बेस केस नहीं मिले, या प्रॉब्लम को इस तरह से हमने कन्वर्ज किया, प्रॉब्लम को इस तरह से लिख दिया कि वो बेस केस पे कन्वर्ज ना हो। रिकर्जन रिपीटेडली इन्वॉक्स द मैकेनिज्म एंड कंसिक्वेंटली द ओवरहेड ऑफ फंक्शन कॉल, दिस कैन बी एक्सपेंसिव इन बोथ प्रोसेसर टाइम एंड मेमोरी स्पेस। रिकर्जन है वो एक ऐसी मैकेनिज्म काम में लेता है, ऐसी कार्य प्रणाली काम में लेता है जो एक फंक्शन को बार बार कॉल करती है, ये थोड़ी प्रोसेसर का टाइम ज़्यादा ले सकती है, मेमोरी स्पेस ज़्यादा ले सकती है और थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये क्वेश्चंस हैं, इनके हमें उत्तर देने हैं, इनके आंसर्स ये हैं, हम वन बाय वन देख लेते हैं। ए प्रोग्राम मॉड्यूल इन सी इज कॉल्ड एन, एक प्रोग्राम मॉड्यूल को सी में क्या कहा जाता है, तो उसको फंक्शन कहा जाता है। ए फंक्शन इज इन्वोक्ड विद एन, एक फंक्शन किससे इन्वोक किया जाता है, तो वो फंक्शन कॉल से इन्वोक किया जाता है, मतलब कैसे काम में लिया जाता है, तो फंक्शन कॉल से काम में लिया जाता है। ए वेरिएबल दैट्स नोन ओनली विद इन द फंक्शन इन विच इट्स डेफिनेशन इज कॉल्ड, इट्स डिफाइंड इज कॉल्ड, ए वेरिएबल दैट्स नोन ओनली विद इन द फंक्शन इन विच इट इज डिफाइंड इज कॉल्ड। कोई फंक्शन है उसके अंदर कोई वेरिएबल है, उसको तब ही पहचाना जाता है, उस फंक्शन में ही पहचाना जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको लोकल वेरिएबल कहा जाता है। द स्टेटमेंट इन द इन ए कॉल्ड फंक्शन इज यूज टू पास द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, उस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है जो कोई भी वैल्यू है वो उस फंक्शन के पास भेजता है जिसने उस फंक्शन को कॉल किया है, तो इसको रिटर्न कहा जाता है, रिटर्न स्टेटमेंट कहा जाता है। कीवर्ड इज यूज्ड इन ए फंक्शन एडर टू इंडिकेट दैट ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू और टू इंडिकेट दैट ए फंक्शन कॉन्टेन नो पैरामीटर्स, वो कौन सा कीवर्ड है, वो कौन सा शब्द है जो तब काम में लिया जाता है, फंक्शन यूज इन ए फंक्शन एडर, फंक्शन की एडिंग में काम में लिया जाता है, वो ये डिनोट करता है कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा या फंक्शन को में कोई पैरामीटर नहीं है, वो कीवर्ड क्या है, तो वो कीवर्ड वॉइड है, VOID। द ऑफ एन आइडेंटिफायर इज द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम इन विच द आइडेंटिफायर कैन बी यूज, of an identifier is the portion
of program in which the identifier can be used. कोई आइडेंटिफायर है या कोई वेरिएबल है या कोई प्रोग्राम नेम है उसको कहाँ तक यूज किया जा सकता है ये समझाने वाली जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको स्कोप कहते हैं. द थ्री वेज टू रिटर्न कंट्रोल फ्रॉम ए कॉल्ड फंक्शन टू द कॉलर आर, जो जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उस फंक्शन का कंट्रोल, जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उसका कंट्रोल उस फंक्शन के पास चला जाता है. अब फंक्शन से वापस जहाँ कॉल किया गया था वहाँ कंट्रोल आए, उसके तीन मेथड हैं, वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं पहला है रिटर्न, यदि वहाँ रिटर्न लिखा मिल जाए, या रिटर्न आगे कोई एक्सप्रेशन और सेमीकोलन ये लिखा मिल जाए, या क्लोजिंग राइट ब्रेसेस इसको मिल जाए, मतलब कर्ली ब्रैकेट ऑफ हो रहा हो, मजला कोष्टक बंद हो रहा हो, वो फंक्शन में मिल जाए. And allows the compiler to check the number types and order of the argument passed to a function. वो कौन सा क्या होता है जो compiler को ये check करने की अनुमति देता है या ये check करवाता है कि जो है number है वो किस type number है, किस type के हैं, उनका order क्या है जो किसी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, तो इसको कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप. द फंक्शन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रैंडम नंबर्स, कौन सा फंक्शन है जो रैंडम नंबर्स जनरेट करता है, तो रैंड फंक्शन RAND. द फंक्शन इज यूज्ड टू सेट द रैंडम नंबर सीट टू रैंडमाइज ए प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को रैंडमाइज करने के लिए कौन सा फंक्शन काम में लिया जाता है, मतलब तो जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं वो रियली रैंडम बन जाए, तो उनमें जो सीड इनिशियल वेरिएबल है वो को काम में लेते हैं, वो फंक्शन क्या होता है, तो SRAND फंक्शन होता है. द स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स आर, स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स कौन कौन से होते हैं, चार तरह के होते हैं, कौन से होते हैं, हाँ ये क्वेश्चन ऊपर चला गया है. द स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स आर ऑटो, रजिस्टर, एक्सटर्न एंड स्टैटिक, ये चार होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन ए ब्लॉक और इन द पैरामीटर लिस्ट ऑफ ए फंक्शन आर एज्यूम टू बी स्टोरेज क्लास अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, तो किसी ब्लॉक में या वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन ए ब्लॉक, किसी ब्लॉक में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं या पैरामीटर लिस्ट इन द पैरामीटर लिस्ट ऑफ फंक्शन या किसी फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट में डिक्लेयर किए जाते हैं, वो कौन सी स्टोरेज क्लास में काउंट होते हैं यदि उन्हें स्पेसिफिक नहीं बनाया जाए, तो ऑटो होते हैं. ए नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड एनी ब्लॉक और फंक्शन इज, जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, नॉन स्टैटिक, स्टैटिक नहीं होते, और उनको यदि किसी ब्लॉक या फंक्शन के बाहर डिफाइन किया जाए तो वो कौन से वेरिएबल बनेंगे, तो एक्सटर्नल या ग्लोबल वेरिएबल बन जाएंगे और वो स्टैटिक हो जाएंगे. For a local variable in a function to retain its value between calls to the function, it must be declared with the storage class specifier. कोई variable है, local variable है किसी function का, हम चाहते हैं कि वो अपनी value को retain करे, वो value को बचा कर रखे, जब भी उसको call किया जाता है उसको वही value मिलती रहे, तो इसके लिए हमें कौन सी storage class specifier के साथ उसे declare करना पड़ेगा, तो उसको हमें static storage class specifier के साथ declare करना पड़ेगा. द फोर पॉसिबल स्कोप्स ऑफ एन आइडेंटिफायर आर, कोई आइडेंटिफायर है उसके चार पॉसिबल स्कोप कौन कौन से हैं, तो उसके फंक्शन स्कोप है, फाइल स्कोप है, ब्लॉक स्कोप है एंड फंक्शन प्रोटोटाइप स्कोप है. ए फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज ए फंक्शन, कोई फंक्शन खुद को ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉल करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं. ए रिकर्सिव फंक्शन टिपिकली हैज टू कंपोनेंट्स, एक कोई रिकर्सिव फंक्शन होता है उसमें सामान्यतः दो कंपोनेंट होते हैं, दो भाग होते हैं. वन दैट प्रोवाइड्स ए मींस फॉर द रिकर्जन टू टर्मिनेट बाय टेस्टिंग, वो एक
हमें रिकर्जन को बंद करने का, पूरा करने का एक टेस्ट प्रोवाइड करवाता है उसको। उस टेस्ट को कौन सा केस कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? एंड वन दैट एक्सप्रेसेस द प्रॉब्लम एज ए रिकर्सिव कॉल, द स्लाइटली सिंपलर प्रॉब्लम दैट द ओरिजिनल कॉल। और दूसरा प्रॉब्लम को रिकर्सिव कॉल के, दूसरे रिकर्सिव कॉल कहते हैं जिसमें वो थोड़े से सिंपल फॉर्म में उसको खुद को ही कॉल करता है। तो उस केस को क्या कहते हैं, उसको बेस केस कहते हैं। फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम स्टेट द स्कोप आइदर फंक्शन स्कोप, फाइल स्कोप, मेन ब्लॉक स्कोप, फंक्शन प्रोटोटाइप स्कोप। ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें स्कोप समझना है तो यहाँ आंसर्स भी साथ में लिख दिए हैं। द वेरिएबल एक्स इन मैन, मैन में कोई वेरिएबल एक्स है तो वो कौन सा स्कोप है, क्योंकि मैन फंक्शन के अंदर है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, इसलिए ये ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक के अंदर है। वेरिएबल वाई इन क्यूब, क्यूब नाम का एक फंक्शन है उसके अंदर कोई वेरिएबल है वाई, तो क्योंकि वो क्यूब फंक्शन के अंदर है, क्यूब फंक्शन के अंदर है मतलब क्यूब फंक्शन के जो कर्ली ब्रेसेस है उनके अंदर है, फिर ब्लॉक के अंदर है तो ब्लॉक स्कोप हो गया। बाद में द फंक्शन क्यूब, फंक्शन क्यूब क्या है, तो फंक्शन क्यूब यदि किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, बाहर है, सबके बाहर है, तो इसको हम कहेंगे फाइल स्कोप, क्योंकि फाइल स्कोप उसको कहते हैं जो ग्लोबल वेरिएबल टाइप में हो, और फंक्शन खुद होते हैं वो ग्लोबल टाइप में होते हैं। मेन मेन फंक्शन है वो भी फाइल स्कोप में आता है, और द फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर क्यूब प्रोटोटाइप है वो भी फाइल स्कोप में आएगा। द आइडेंटिफायर वाई इन द फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर क्यूब, आइडेंटिफायर वाई इन द फंक्शन जो क्यूब फंक्शन है उसके प्रोटोटाइप में जो भी वेरिएबल आएंगे वो फंक्शन प्रोटोटाइप स्कोप में ही आएंगे। अब हम इन एग्जाम्पल्स को और देख लेते हैं किस तरह से हैं। तो पहला था वेरिएबल एक्स इन मैन एंड वाई इन क्यूब आर ब्लॉक स्कोप। तो हमने यहाँ पर फंक्शन लिए हैं, मैन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल लिया है इंट एक्स, एक्स को डिक्लेयर किया है, तो ये फाइल स्कोप है क्योंकि ये फाइल नहीं, ये ब्लॉक स्कोप है क्योंकि ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं उनके अंदर ही इसकी पहचान है। क्यूब फंक्शन के अंदर इंट वाई लिया है, इस ये भी ब्लॉक स्कोप है क्योंकि इसकी पहचान इस क्यूब फंक्शन के इन ब्लॉक्स के अंदर ही है। जो फंक्शंस थे मैन क्यूब एंड क्यूब प्रोटोटाइप, तो मैन फंक्शन, क्यूब फंक्शन एंड क्यूब प्रोटोटाइप, ये तीनों फाइल स्कोप हैं क्योंकि ये पूरे हर पूरे प्रोग्राम में हर जगह वैलिड है। जो फंक्शन प्रोटोटाइप है उसके अंदर जो इंट वाई लिया है वो ब्लॉक स्कोप है, वो फंक्शन प्रोटोटाइप स्कोप है। फाइंड द एरर इन फॉलोइंग सेगमेंट्स, आगे के सेगमेंट्स हैं उनमें गलती ढूंढनी है, त्रुटि ढूंढनी है, एरर ढूंढनी है। ये एक स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इंट जी कर्ली ब्रेस पेरेंथेसिस वॉइड कर्ली ब्रेसेस प्रिंट परसेंटेजेस इनसाइड फंक्शन जी इंट एच, फिर कुछ प्रिंट कर रहे हैं और कर्ली ब्रेसेस ऑफ, इसमें क्या गलती है? तो इसमें दो गलतियां हैं या कहें तीन गलतियां हैं। तो पहली गलती है जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, दोनों प्रिंट स्टेटमेंट हैं, दोनों में हम कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज एस दे रहे हैं जो स्ट्रिंग के लिए होता है, लेकिन आगे जो स्ट्रिंग दे रहे हैं उसमें स्टार्टिंग कोटेशन मार्क नहीं है, दोनों जगह ही नहीं है। और बाकी गलती है जो फंक्शन एच है वो फंक्शन जी के अंदर लिखा गया है, यदि जी के अंदर लिख देंगे तो ये इनर स्कोप में आ जाएगा, ये फाइल स्कोप का नहीं रहेगा, जबकि फंक्शन स्कोप फाइल स्कोप में रहते हैं, इसलिए ये जी के अंदर हमें नहीं लिखना चाहिए। इसको कैसे सुधारें? तो इसको कोटेशन मार्क लगा देते हैं और इस फंक्शन को बाहर डाल देते हैं, सुधर जाएगा, और इसको इस तरह से लिख देंगे, ये कोटेशन मार्क लगा दिया और फंक्शन को बाहर लिख दिया। इंट सम इंट एक्स कोमा इंट वाई इंट रिजल्ट रिजल्ट इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसमें क्या गलती है? तो इसमें
गलती है कि रिजल्ट है वो कैलकुलेट तो किया लेकिन उसको रिटर्न नहीं किया, रिटर्न नहीं किया तो इस फंक्शन जो फंक्शन है उसमें जो डाटा उसका रिटर्न टाइप हमने इंट दिया उसका कोई मीनिंग नहीं रहा, और फंक्शन को कोई कहीं भी कॉल करेंगे तो वो कोई भी गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर सकता है। कैसे सुधारें? तो यहाँ रिजल्ट की जगह रिटर्न लिख के रिजल्ट इक्वल की जगह रिटर्न लिख देंगे। वॉइड एफ फ्लोट ए सेमीकोलन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट फ्लोट ए प्रिंट परसेंटेज एफ ए। इसमें क्या गलती है? तो इसमें दो गलतियां हैं। एक तो यहाँ पर जब फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, इसकी बॉडी स्टार्ट होती है, उससे पहले सेमीकोलन आ गया है। यदि सेमीकोलन आ गया यहाँ, इसका मतलब ये बॉडी इस फंक्शन की नहीं रही। और दूसरा है जो इनपुट पैरामीटर ए है उसको हमने फिर से डिक्लेयर किया है जो हम नहीं कर सकते। कैसे सुधारें? तो सेमीकोलन हटा दिया जाए और जो डिक्लेरेशन है दोबारा फ्लोट का ए का वो भी हटा दिया जाए। इंट सम इंट एन इफ जीरो इज इक्वल्स टू एन रिटर्न जीरो एल्स एन प्लस सम दिस। इसमें क्या गलती है? तो इसमें एन इक्वल टू जीरो के लिए तो ये रिटर्न जीरो कर रहा है, लेकिन एन इक्वल टू नॉन जीरो नहीं है उस केस में ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो उसमें हमें एन प्लस सम एन माइनस वन से पहले रिटर्न लिखना होगा। और कैसे सुधारेंगे? तो यहाँ रिटर्न लिख के सुधार देंगे। वॉइड प्रोडक्ट इंट ए बी सी रिजल्ट प्रिंटर परसेंटेज एंटर थ्री इंटीजर्स एंड स्कैन किया देन रिजल्ट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी प्रिंट एफ रिजल्ट इज परसेंटेज डी रिजल्ट रिटर्न रिजल्ट। इसमें क्या गलती है? तो इसमें ये रिटर्न का आगे रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि जो फंक्शन है वो वॉइड है। कैसे सुधारेंगे? ये स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट मिटा कर सुधार देंगे। डबल क्यूब फ्लोट नंबर रिटर्न नंबर स्टार्ट नंबर स्टार्ट नंबर। इसमें क्या गलती है? तो इसमें ये गलती है कि हम एक जगह तो कह रहे हैं डबल क्यूब जब प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं, लेकिन जब फंक्शन की डेफिनेशन आती है वहाँ फंक्शन का रिटर्न टाइप मिसिंग है, वो नहीं लिखा। कैसे सुधारें? फंक्शन का रिटर्न टाइप डबल लिख दें जैसा प्रोटोटाइप में। int रेंडम नंबर इक्वल टू एस रेंड। इसमें क्या गलती है? तो इसमें गलती यह है कि एस रेंड फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। कैसे सुधारें? एस रेंड की जगह का एस हटा दें। डबल स्क्वायर डबल नंबर रिटर्न नंबर स्टार नंबर। इसमें क्या गलती है? तो इसमें नंबर का डिक्लेरेशन दोबारा किया है इनर स्कोप में जो नहीं करना है। कैसे सही करें? इसको एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं दोबारा डिक्लेरेशन को, सही हो जाएगा। इंट सम एन जीरो इक्वल्स टू एन रिटर्न जीरो एल्स रिटर्न एन प्लस सम एन। इसमें क्या गलती है? तो इसमें कन्वर्जन नहीं हो रहा है। जो बेस केस है वो एन इक्वल टू जीरो, लेकिन यदि एन की वैल्यू जीरो नहीं है तो ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है और एन की वैल्यू को बिना चेंज किए हुए, तो वो वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी और इसको बेस केस कभी नहीं मिलेगा। ये बेस केस पर कन्वर्ज नहीं हो रहा और इन्फिनिटी लूप बन रहा है। कैसे सुधारें? तो सुधारने के लिए यहाँ जब रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं वहाँ पर एन की जगह एन माइनस वन लिख देते हैं और ये सही हो जाता है। व्हाट डज द फॉलोइंग प्रोग्राम डू? नीचे का प्रोग्राम क्या कर रहा है? int main int c if c is equals to get chr not equal to eof main print c। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? तो ये प्रोग्राम हम शुरू से समझते हैं। तो इंक्लूड किया है stdio.h फाइल, उसके बाद में हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया जिसमें c को डिक्लेयर किया है जो करेक्टर इंटीजर है, और बाद में इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखा है सी इज इक्वल्स टू गेट सी एच आर। ये गेट सी एच आर क्या करता है? तो गेट सी एच आर
एक करेक्टर को रीड करता है। और यहाँ पर हमने लिखा C इक्वल टू गेट सी एच आर, मतलब एक गेट सी एच आर है वो एक करेक्टर रीड करेगा और जो भी करेक्टर रीड करेगा उसकी वैल्यू C को असाइन कर देगा। और उसको पूरे को हमने पैरेंथेसिस में बंद करके हमने लिखा है नॉट इक्वल टू ईओ एफ। यदि C की वैल्यू ईओ एफ के इक्वल नहीं होती है, ईओ एफ क्या है, ईओ एफ एंड ऑफ फाइल करेक्टर है जो लिनक्स यूजर्स के लिए कंट्रोल डी है और विंडोज विजुअल सी काम में लेते हैं उनके लिए कंट्रोल जेड है या कंट्रोल सी है। तो कंट्रोल डी प्रेस नहीं करेंगे तब ये करेक्टर रीड करेगा, और यदि वो करेक्टर कंट्रोल डी नहीं है तो इसको ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि ये पूरा इफ के अंदर है। और ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये फिर से मेन फंक्शन को कॉल करेगा, और मेन फंक्शन को कॉल करने पर फिर से सी डिक्लेयर होगा नेम में और फिर सी की वैल्यू रीड करेगा और ये लूपिंग बन जाएगी। जब तक हम कंट्रोल डी नहीं देंगे तब तक ये लूप चलता रहेगा। जो ही हम कंट्रोल डी देंगे तो ये पहले सबसे लास्ट वाला एग्जीक्यूशन होगा, मतलब सबसे लास्ट में हमने जो करेक्टर दिया है वो प्रिंट होगा उसके बाद में उससे पहला, और जो सबसे फर्स्ट करेक्टर हमने इनपुट में दिया था वो सबके लास्ट में प्रिंट होगा। तो इसका मतलब हम करेक्टर्स को लूप में रीड कर रहे हैं और लूप है वो ऑपोजिट चल रहा है। हम ये प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, प्रोग्राम कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो ये अपना प्रोग्राम है जिसमें मेन फंक्शन है, सी को डिक्लेयर किया है, सी इक्वल्स टू गेट सी एच आर नॉट इक्वल टू यू एफ, मेन फंक्शन को फिर से कॉल किया, प्रिंट किया सी को, और प्रोग्राम का एंड हो गया। कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन करते हैं, रन किया, यहाँ पर हम ए बी सी डी एंटर, बी सी डी एंटर, 1 2 3 एंटर, कुछ करेक्टर्स एंटर, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, फिर से एंटर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ए एस डी एफ नो चेंज, कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल डी प्रेस करते ही सब कुछ ऑपोजिट ऑर्डर में, यहाँ पर हमने कंट्रोल डी प्रेस किया था एफ डी एस ए एफ डी एस, बाद में दो बार रिटर्न की बाद में हैश एट द रेट और एक्सक्लेमेटरी साइन, बाद में 1 2 3 का 3 2 1, ए बी सी डी का डी सी बी ए अपर केस वाला भी ऑपोजिट, और बाद में प्रॉम्प्ट आ गया है। व्हाट इज द प्रोग्राम फॉलोइंग प्रोग्राम डू, नीचे वाला प्रोग्राम क्या करेगा, तो इसको भी हम पूरे को समझते हैं। तो यहाँ प्रोग्राम में सबसे पहले एक फंक्शन है प्रोटोटाइप मिस्ट्री जो अनसाइन इंटीजर रिटर्न करेगा, मेन के अंदर एक्स और वाई दो अनसाइन इंटीजर डिक्लेयर किए हैं, उन दोनों को रीड किया है, मतलब प्रोग्राम सबसे पहले प्रिंट करेगा एंटर टू पॉजिटिव नंबर्स, फिर दो इंटीजर्स रीड करेगा अनसाइन इंटीजर एक्स और वाई, और फिर द रिजल्ट इज, और फिर एक फंक्शन को कॉल कर रहा है उसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट करना चाहेगा, मतलब एक फंक्शन को कॉल किया है मिस्ट्री नाम का फंक्शन है उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू भेजेगा। और फंक्शन क्या कर रहा है, तो फंक्शन के अंदर जो इनपुट पैरामीटर्स हैं वो 1 है, यदि सेकंड पैरामीटर 1 है तो ये फर्स्ट पैरामीटर को रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फर्स्ट पैरामीटर में उसी फंक्शन को फिर से कॉल करेगा और सेकंड पैरामीटर को एक कम करके इनपुट में देगा। इसका मतलब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन ये प्रिंट कर रहा है, या हम कहते हैं बी ए को बी टाइम्स ऐड कर रहा है। यहां से देखें तो ए को बी टाइम्स ऐड कर रहा है, प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो ये प्रोग्राम कॉपी कर दिया है, इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, रन किया, दो इंटीजर दिए जैसे 3 and 5 दिया तो 15, हम 5 and 3 दें तो 3 को 5 बार जोड़ें, 5 को 3 बार जोड़ें, बात तो बराबर ही है, 10 and 15 दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, मतलब पहले नंबर को इतनी बार जोड़ रहे हैं जितनी बार दूसरा नंबर
दूसरा नंबर है।